राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, हरि बोल श्री राधा श्री राधा हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल श्री राधा हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम राम राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दां जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदा राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीनों लोक के नाथ हैं सो जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी
रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा पति पावन सीता राम जय रघुपति राघव राजा पति पावन सीता जय रघुपति राघव राजा पति पावन सीता राम जय रघुपति राघव राजा हरिनाम संकीर्तन के श्री राधा माधव के जगत गुरु शिल प्रपाद के निताय गौर प्रमानंदे हरि आराध्यो भगवान भजे सतनाय तद धाम वृंदावन राम्या काचिदुपासना ब्रज वधू
जागे नया कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममालम प्रेमापुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरे नापर वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण विम वफलादरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा किमपि तत्त्वहं न जानि करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशय वटशपत्र शपुटे सयानं बालं मुकुंदं मनशास्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः पंस्त्वत्कं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मेरे पीछे पीछे दोनों हाथ जोड़ के बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्प्रायेषु अभद्रेषु नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे सभी लोग हाथ खड़ा करें सभी लोग कृष्णा और बोलिए हरे कृष्णा थोड़ी जोर लगा के बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे परम सौभाग्य भगवान की इस परम पवित्र कथा के सातवें दिवस में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। भक्तों भगवान की यह कथा हमें भगवान के चरणों को प्राप्त कराने वाली है। ध्रुव महाराज भगवान को स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु। ध्रुव महाराज के ऊपर मानो भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के पूछे कि ध्रुव क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। ध्रुव महाराज कहते, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो बहुत बड़ा चीज था, अपने दादाजी से भी बड़ा राज्य चाहिए था, लेकिन अब भगवान कुछ नहीं चाहिए। क्यों? बोले आपका दर्शन जो प्राप्त हो गया है, फिर भी नहीं नहीं ध्रुव कुछ मांगो, कुछ तो मांगो, कुछ मांगो। जब भगवान बार 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 इस प्रकार से कहे कि मांगो 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 मांगो, तब ध्रुव महाराज कहते हैं, प्रभु बस आप यह आशीर्वाद दीजिए, आप यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर आपकी कथा सुनता रहूं, आपकी कथा सुनता रहूं। बोले क्यों, क्या करोगे मेरी कथा सुन करके, क्या करोगे? बहुत सुंदर भक्तों ध्रुव महाराज कहते हैं, बोले ध्रुव ध्रुव और कुछ मांग लो, कुछ गाड़ी मांग लो, बंगला मांग लो, अरे तुम्हें नहीं पता कि ये संसार के लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, कुछ नहीं रहेगा तुम। बोले महाराज और क्या चाहिए मुझे, आपकी कथा सुनने के लिए मिल जाए तो।
इस संसार में लोग बहुत कुछ कुछ लेते हैं लेकिन उनकी मांग घटती नहीं। प्रभु मुझे आपकी कथा सुनने के लिए मिल जाए बस यही कृपा करो। क्यों? क्योंकि आपकी कथा एक नशे की समान है। इस संसार में जब व्यक्ति को दुख होता है तब वह क्या करता है? बहुत दुखी हो गया तो नशा कर लेता है। तो प्रभु आप और वह उस नशा करने से कुछ देर के लिए उसे उस दुख से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रभु आपकी कथा इतनी मादक है, इतनी मादक है, इतनी नशीली है। इस संसार का नशा एक दिन, दो दिन, चार दिन अथवा दस दिन रह सकता है लेकिन प्रभु आपके कथा की नशा तो जीवन भर रह सकता है। एक बार कोई व्यक्ति आपकी कथा सुन ले फिर वह जीवन भर के लिए निश्चित रह जाता है, निश्चित हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त कराने वाले यह भगवान की दिव्य और परम पवित्र कथा भक्तों गत सत्र में हम लोग भगवान श्री रामचंद्र के अवतार के विषय में सुने, 18वां अवतार। बहुत सुंदर भगवान श्री रामचंद्र का जन्म कथा आप लोगों ने कल सुना और साथ ही साथ भगवान की ही विवाह भी हो गई। तो भगवान की कथा बहुत ही दिव्य होती है तो आप यह अनुभव तो कर ही रहे होंगे, इसमें मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, है ना। इस संसार में देखा जाए तो दो भागवत है। कौन भागवत? कितने भागवत? दो भागवत। कौन भागवत? तो बोलते एक भागवत ग्रंथ भागवत और दूसरा भक्ति के रस से भरा हुआ लबालब भक्त भागवत। हमें चाहिए कि हम भागवत को, इस ग्रंथ भागवत को किनसे सुखें, किनसे सुने? जो भक्ति के रस से लबालब भरा हुआ। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा ना, एक भागवत भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, एक बड़ा भागवत शास्त्र, एक भागवत भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, एक बड़ा भागवत शास्त्र, एक भागवत बड़ा भागवत ग्रंथ ग्रंथ शास्त्र, एक भागवत भागवत भक्ति रस पात्र, एक भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। और दूसरा भागवत भक्ति, भक्ति से भरा हुआ, भगवान के भक्ति से, भागवत के भक्ति से भरा हुआ भक्ति रस पात्र भागवत भक्त भागवत। और हमें चाहिए कि हम उस बड़ा भागवत शास्त्र को, उस भक्ति भागवत भक्त भागवत के मुख से सुने। तो बहुत सुंदर यहाँ पर यह कथा चल रही है और ये आज
सातवां दिन है। आइए हम लोग भगवान के 21वें अवतार की ओर बढ़े। मनवंतर की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं कि चाक्षुष मनवंतर में गजेंद्र नाम का एक हाथी हुआ। आप लोग मनवंतर तो जान ही गए होंगे, कितने चतुर्युग में एक मनवंतर होता है? 71 चतुर्युग। वेरी नाइस, गुड। 71 चतुर्युग इज इक्वल टू 1 मनवंतर, है ना? तो इस प्रकार से 21वें अवतार की कथा सुनाते हुए मनवंतर की बात करते हुए कथा सुनाते हुए चाक्षुष मनवंतर की कथा सुनाते हैं कि तामस नाम के राजा इस मनवंतर में इंद्र मनु हुए और त्रिशिक नाम के देवता इस मनवंतर में इंद्र हुए। आज से अनेकों अनेकों वर्ष पूर्व स्वर्ग के वन में अनेक पशु पक्षियां का एक राजा एक हाथी रहा करता था और उस हाथी का नाम था क्या था? गजेंद्र। क्या था? गजेंद्र। घर के सभी लोग कथा में नहीं आए, कथा में आना चाहिए। अगर हम कथा नहीं सुनेंगे तो सेवा क्या करेंगे? प्रथम भक्ति है क्या? सुनना। सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम नमताश्रम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति है श्रवण। अगर सुनेंगे नहीं तो भक्ति होगी नहीं, ध्यान रखें। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। तो इस मनवंतर में भगवान हरि के रूप में आएंगे और गजेंद्र का उद्धार करेंगे। तो अनेकों अनेकों वर्ष पूर्व स्वर्ग के जंगल में बैठ जाइए और आप लोग कथा सुनिए, बैठ के कथा सुनिए। स्टॉल में बाद में जाने का समय दिया जाएगा, नहीं तो स्टॉल बंद करवा दूंगा मैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सोना और चांदी दोनों मदजे आकर के हीरा बन जाइए आगे बैठ के, ये तो पीछे बैठेंगे तो मैं लोहा बना दूंगा डांट डांट के। तो आगे बैठे हुए भक्ति वैसे हीरा है। तो स्वर्ग में एक गजेंद्र रहता था और इस हाथी का एक छत्र शासन था। हाथी के भय से जंगल में रहने वाले सभी जीव एकदम कांपने लगते थे। पूरे जंगल का राजा था और इस हाथी के अनेकों पत्नियां थी, अनेकों पत्नियों के साथ रहता था और अनेक पत्नी होने के कारण अनेक बच्चे भी थे, स्वाभाविक है। एक दिन की बात, ये हाथी जंगल में सैर करने के लिए निकला और अपने अनेक पत्नी और बच्चे के साथ विचरण करते करते त्रिकुट पर्वत की तलहटी पर पहुंचा। स्वर्ग में त्रिकुट पर्वत है जिसमें तीन शिखर है, एक चांदी का, एक सोने का और एक लोहे का। तो ग्रीष्म ऋतु का महीना था, तप्त सूर्य की गर्मी थी और एकदम डायरेक्ट किरण सूर्य की इस पर्वत पे पड़ रही थी जिससे यह पर्वत एकदम गर्म हो रहा था। और इस त्रिकुट पर्वत की गर्मी से वहां की भूमि गर्म हो रही थी। यह हाथी उस गर्मी की ऋतु में विचरण करने के लिए अपनी पत्नी के साथ थोड़ा भ्रमण करने के लिए निकला।
इस हाथी का प्राग्रम बता देवे सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं वृक वराह महिष्ठरिच सल्या गोपुच लावृक मरकटह च अन्यत्र क्षुद्रा हरिणा शशादे चरंती अभितायत अनुग्रहेण। जैसे गजेंद्र हाथी रास्ते से निकलता था, कहते हैं बड़े बड़े खूंखार सीम बालू ये सब भाग करके अपनी गुफाओं में जाकर के छिप जाते थे। खरगोश हिरण इत्यादि बड़े मस्ती से रहते थे, बोले जब तक गजेंद्र है तब तक कोई चिंता नहीं, हम ही लोग शेर हैं। खरगोश लोग ऐसा बोलता था, स्वतंत्र घूमता था। जैसे ही ये बाहर निकलते कि बड़े बड़े खूंखार पशु सिंह बाघ आवाज कट रही है, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस समय वह हाथी, एक बार की घटना का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं वह गजेंद्र सैर करने के लिए निकला अपने अनेकों पत्नियों के साथ, अनेकों बच्चों के साथ, एकदम पूरा ग्रुप बना करके निकला फैमिली टूर। पैकिंग विकिंग कर लिए, चल दिए घूमने के लिए। और गजेंद्र जब निकलता तब कहते थे सब वो छोटे छोटे जानवर कहते थे जब तक ये गजेंद्र हाथी है ना तब तक हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जंगल, ये गजेंद्र जिस रास्ते से निकलता था जंगल में बहुत सारी झाड़ियां होती है, बहुत बहुत सारे चीज होते हैं, उन सब को तोड़ते मरोड़ते एकदम रौंदते हुए निकलता था, बिल्कुल हाईवे बना देता था, जिधर से चलता था उधर सब प्लान सब खाता। दो लुड़ते थे वृक्ष झाड़ियों को एकदम रौंदते हुए, अनेक पशु पक्षियों को कंपकंपाते हुए यहाँ थे, बिल्कुल मदमस्त होकर चलता था, परम स्वतंत्र ना सर पे कोई, एकदम चलता था। सूर्य की गर्मी, नीचे से पृथ्वी की गर्मी, गर्मी होने के कारण हाथी को प्यास लग गई और दौड़ते दौड़ते यहाँ थी एक सरोवर में गया, सरोवर में पहुंच गया और सर्वप्रथम यहाँ थी उस सरोवर में उतर कर स्नान करके अपनी प्यास को बुझाने लगा। अपनी प्यास बुझा करके अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को जल पिलाया हाथी ने, अपनी पत्नियों को अपने बच्चों को सरोवर में, सरोवर के किनारे खड़ा रखा। बेटा तुम लोग गिर जाओगे, तुम लोग उधर ही रहो, मैं जाता हूँ, और जाकर के पिलाया। सुखदेव जी गोस्वामी महाराज कहते हैं ये सिर्फ उस हाथी की कथा नहीं है, इस संसार में जितने लोग के पति पत्नी और बच्चे हैं ना सब लोग गजेंद्र हैं। कोई छोटा गजेंद्र है, कोई बड़ा गजेंद्र है, उनको बहुत सारे बच्चे थे, हमें दो चार बच्चे हैं। अगर आप देखें तो हम भी यही क्रियाएं करते हैं, हम भी अपने पत्नी बच्चों को लेकर के जाते हैं घुमाने के लिए लेकर के जाते हैं, और जाते वक्त क्या करते हैं उनको बस पे ट्रेन पे छोड़ करके हम खुद पानी लेने के लिए उतरते हैं, है ना। वैसे हाथी अपने पत्नी और किनारे पर छोड़कर खुद सरोवर में चल उतरा, स्वयं पानी पिया, अपनी पत्नी को पानी पिलाया और बच्चों को पानी पिलाया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक गृहस्थ को चाहिए कि अपने कर्तव्य को निभाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक गृहस्थ को चाहिए कि वो अपने कर्तव्य को निभाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सब यहाँ गृहस्थ हैं, भक्तों सब गृहस्थ हैं। एक पति को चाहिए कि पत्नी का भरण पोषण करे, पुत्र का भरण पोषण करे, परंतु मात्र कर्तव्य निभाने चाहिए। कर्तव्य निभाते निभाते उस पुत्र में उस पत्नी में आसक्त नहीं हो जाना चाहिए। हाथी ने जल तो पिला दिया, अब उसे चाहिए था कि वह वहां से अपनी पत्नी अपने बच्चे सहित पैदल चल दे। लेकिन जब अब देखिए यह हाथी क्या करता है, अब यह हाथी क्या करने लगा, जल पिलाने के बाद उस सरोवर के जल से खेलने लगा, खेलने लगा, बहुत ही भोग भुगतने लगा। बस यही हमारे पतन का कारण होता है।
जब तक पानी पिलाना था, जब तक अपना कर्तव्य निर्वाह करना था, कोई गलती नहीं। लेकिन जहां पे मस्ती सूझ गई कि अरे थोड़ा बहुत ही भोग भोग लिया जाए, गड़बड़ वहीं से शुरू हो जाती है भक्तों, वहीं से गलती शुरू हो जाती है। अब वह सरोवर में खड़ा खड़ा क्या करने लगा, अपने सूंड में पानी लेता, फुस करके मारता अपने बच्चों, बच्चे लोग, पप्पा 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 ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। कभी सूंड में पानी लेता, बीवी को मारता, बीवी बीवी कहती जी क्या कर रहे हैं, थोड़ा नौटंकी चल रहा था, ड्रामा चल रहा था, बच्चे लोग गिर जाते, बड़ा हंसी लगता, हंसते थे। इस प्रकार से बहुत सुंदर मस्ती चल रही थी। जिस प्रकार इसे संसार में आसक्त व्यक्ति रात दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रमन करते रहता है, कुटुंब पोसाया वीरनुजाया, अपने कुटुंब के भरण पोषण करने में कब सुबह कब शाम हो जाता है पता ही नहीं चलता है, रात दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और करते 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 एक दिन काल सिर पर मंडराने लगता है, ये भी पता नहीं चलता है। घर गृहस्थी में व्यस्त रहता है और व्यस्त रहते कब ये सब होता है पता भी नहीं चलता। हम कहते हैं भगवान की कथा में आओ, समय नहीं है, नाम जप करो, समय नहीं है, यात्रा में भगवान के धाम चलो, समय नहीं हो। और एक दिन वह समय ही उसका नहीं होता है, समय है कथा। ध्यान रखिए भक्तों, ये पैसे, ये बच्चे, ये हमारे रिश्तेदार, ये संबंधी इसलिए है ना, ताकि ये हमें हमारे भक्ति में मदद करें, मदद करें। अब ये मदद करने के बदले बाधा देने लगे तो फिर इसका क्या यूज। तो ये बहुत सुंदर कथा है भक्तों की। वह पिला रहा है और खेलने लगा, आज हम कहते हैं कि भगवान के दिव्य नाम का जप करिए। अरे भाई, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, नाम जपिए, माला में जपिए। क्या बोलते हैं कुछ लोग मालूम है, हम ना दिन भर ना मुंह में हरे कृष्ण महामंत्र ही रखते हैं, दिन भर मन जाप करते रहते हैं। अब मन में क्या करता है ये तो भगवान ही बताएंगे, ये कृष्ण ही बताएंगे। एक माता जी मिली थी, हमारी संबंधी हैं, तो हमने उनको कहा, उनके जीवन बड़ी तकलीफ थी, कुछ सुना रही थी, तो हमने बोला हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, तो क्या कहती, दिन भर मैं तो हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करते रहूं, दिखाने की चीज है क्या, तुमको दिखाएंगे क्या। और आज तक उस माता जी के मुख से दूसरों की चुगली छोड़ करके हम लोगों ने कभी हरे कृष्ण महामंत्र नहीं सुना, तो ये पता नहीं कैसा मंत्र जप करती है। संसार में इस तरह से व्यक्ति फंसा हुआ है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। घर गृहस्थी में एकदम व्यक्ति फंसा रहता है। हम बार बार कहते हैं अरे हरे कृष्ण महामंत्र जप करो ना, नहीं जप कर सकते, समय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम ना मुख से जाप कर लेंगे प्रभु जी, हम माला नहीं लेंगे, क्यों, हम बंधन में नहीं पड़ना चाहते। अरे तू तो खुद बंधन में है बेवकूफ, तू तो खुद बंधन में है, तुझे बंधन से निकालने के लिए ये माला है। आप लोग बताइए, एक व्यक्ति हाथ खड़ा करिए जो फ्री है, बताइए एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके यहां बता दे कि मैं फ्री हूं प्रभु जी, मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है, बता दे कोई व्यक्ति बता दे। एक हमारे रिलेटिव हैं, तो हम दोनों ने साथ में ही पढ़ाई की थी, कजन लगता है मेरा। तो अब मैं तो इधर आ गया कुछ दिन, है ना, कुछ दिन नौकरी करने से, कुछ दिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, तो थोड़ा यूज तो करना था,
तो थोड़ा विदेशों में थोड़ा भारत में कुछ दिन काम करने के बाद नहीं भाई चलो, जब भी काम करता था विदेश में था तो यही जनरली आपको मैंने पहले ही बताया यही सोचता था भाई क्या यही लाइफ है, सवेरे उठिए बड़े फैसिलिटी है आपको सब कुछ दिया लेकिन यही लाइफ है, ऑफिस जाओ घर आ जाओ सो जाओ, सवेरे जाओ ऑफिस आओ घर सो जाओ, यही लाइफ है। तो वो उसी लाइन में रह गया, मैं तो इधर आ गया। कुछ दिन पहले उसकी शादी थी तो मैं गया था, बहस होने लगी तुम अपना लाइफ बर्बाद कर लिया क्यों भाई, कितना रेस्ट्रिक्शंस लगा लियो, लहसुन नहीं खाओगे प्याज नहीं खाओगे ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, सवेरे सवेरे बैठ करके सोला माला। तो मैं बोला भाई आप फ्री हैं, देखो मेरा जीवन फ्री है एकदम फ्री है। बोले हाँ कहाँ रहते हैं आप, बोला कि मैं रहता हूँ बेंगलोर में। बोले ठीक है, गाड़ी चलाते बाइक रखा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो बाइक जब लेकर के जाते हैं तो एकदम फ्री होके चलाते होंगे, बोले एकदम। तो जब रेड सिग्नल आता है तो रुकते हैं कि क्रॉस कर जाते हैं, रुक जाता हूँ, बंधन नहीं है ये बंधन नहीं है, है कि नहीं, रूल आप फॉलो नहीं कर रहे, कर रहे। लेकिन व्यक्ति को अगर भगवान के विषय में भक्ति के विषय में कुछ नियम फॉलो करने के लिए कहो तो नहीं कर सकते, बंधन लगता है। ध्यान रखिए बंधन में अगर हमारे जीवन में तमोगुण बहुत ज्यादा है ना, ध्यान रखिएगा जिनके मन में भी यह विचार आ रहा है कि हम माला से जप नहीं कर सकते हैं हम मन मन करेंगे, वो मन मन से जप नहीं कर सकता, उसका मन तमोगुणी है, ठीक है। जो तमोगुणी व्यक्ति होता है ना वह कभी नाम जप नहीं कर सकता है माला में, उसको बहुत समय लग जाएगा। कितने सारे बंधन है हमारे पर सोचो, देश का बंधन सरकार का बंधन, क्या कर सकते हैं आप, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बिना ट्रेन का टिकट में बैठ सकते हैं नहीं, हर जगह बंधन है हर जगह नियम है, बिना नियम का कुछ नहीं। हम लोग कहते हैं नाम जप करो माला में, हम नियम में नहीं बंधना चाहते हैं, ये बंधने के लिए नहीं, ये आपको मुक्त करने के लिए है। किसके लिए है, मुक्त करने के लिए। अगर आपने इसे नहीं किया तो 84 के साइकिल में घूमते रहेंगे, 84 लाख योनि में घूमते रहेंगे, जल जानव लक्षणी घूमते रहेंगे 84 लाख योनि में, और उसके बाद भी नरक तो कभी स्वर्ग तो कभी यहाँ कभी वहां, पता नहीं क्या क्या बनेंगे। कुछ लोग तो बोलते हैं हम नहीं मानते हैं नरक है स्वर्ग है ये सब, हम लोग नहीं मानते हैं, वी आर मॉडर। मुझे बड़ा क्या कहते हैं उसको दया आती है ऐसे लोगों पे, क्या बोला जाए, वी आर वेरी एडवांस, क्या एडवांस, हम लोग प्रगति कर रहे हैं, प्रगति के नाम पे दुर्गति कर रहे हैं। कुछ लोग हम लोग को बोलते हैं डांटते हैं कभी, ये स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं होता है तुम लोग एक बना करके रखे, अरे मूर्ख कहीं का बुद्धि है थोड़ी सी भी, स्वर्ग नरक नहीं होती है तेरे कहने से नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं जो चीज हम नहीं देखे उसके ऊपर नहीं मानते, आप में से कितना लोग यहाँ से न्यूजीलैंड गया है, हाथ खड़ा करिए, जापान कोई नहीं गया है, दुबई तो गए होंगे नजदीकी है, कोई नहीं गया, मैं गया हूं, मैं गया हूं, ठीक है। अब जब मैं गया हूं तो मैं बोलूंगा तो वो सच रहेगा कि नहीं, आप विश्वास करेंगे कि नहीं, कि नहीं करेंगे। आप नहीं गए हैं न्यूजीलैंड, मैं गया हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई न्यूजीलैंड नाम का स्थान है, भाई दुबई नाम का स्थान है, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, अरे बोलिए, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग उस मानेंगे या नहीं मानेंगे, मानेंगे ना। आप नहीं गए से कोई मतलब नहीं है, मैं गया हूं मैं देखा हूं अपने आंखों से आपको बोल रहा हूं तो आप मानेंगे, उसी प्रकार से नरक आप नहीं गए हैं लेकिन जो गए हैं वह तो बता रहे हैं ना अपने एक्सपीरियंस, तो उनकी बातें मानना पड़ेगा ना। जो हम नहीं देखते ना उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, बेटा तूने हवा भी नहीं देखी है तो हवा नहीं है, सांस लेना छोड़ दे। तो कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग नरक सब यही है प्रभु जी, यहाँ नहीं है, नरक अपने स्थान पर है। ध्यान रखिए जीवन में अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हमें नरक जाना ही पड़ेगा, साधारण तरीके से इसको समझिए। कल प्रभु जी आप लोगों को ड्रामा दिखा रहे थे ना,
चार प्रकार के नरकों का उन्होंने वर्णन किया। वैसे बहुत सारे नरकों का वर्णन है, बहुत सारे नरकों का वर्णन। आप थोड़ा विचार करिए, चलिए शांत हो जाइए। देखिए बहुत सुंदर माता जी कुछ दिव्य प्रवचन वहां भी कर रही है। आप ब्लू साड़ी पहन के जो माता जी बैठी हुई, क्या माता जी कुछ प्रवचन करना है? माइक दिलवाएं, प्रभु जी एक माइक दे दीजिए वहां पे, एक माइक वहां रखिएगा आप, जिसको हम इशारा करेंगे ढाई से पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आप बोलिएगा माता जी तो माइक पहुंचवा दूंगा मैं आपके पास, पूरा एकदम हल्ला उल्ला हो जाएगा। आप थोड़ा विचार करिए, जो विद्वान लोग, विद्वान तो नहीं है तथाकथित विद्वान, सो कॉल्ड स्कॉलर हैं, तो महामूर्ख, वो कहते हैं स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, जो है सो यही है, ध्यान रखिए है। आप थोड़ा विचार करिए, जब इस देश का राजा, कहीं का राजा किसी सिटी का निर्माण करता है, तो वह कुछ नियम बनाता है या नहीं बनाता है? बनाता है कि भाई अगर तुम किसी को मार दोगे, मर्डर कर दोगे, तो तुम्हें फांसी दे दिया जाएगा, एक सजा हो गई। भाई तुमने चोरी किया तो तुम्हारे हाथ कटवा देंगे, दूसरी सजा हो गई। भाई तुमने ये किया तो तुमको वो कर देंगे। भाई तुमने ट्रैफिक रूल्स तोड़े तो इतने फाइन देने पड़ेंगे या इतने दिन की सजा हो जाएगी। ट्रेन में बिना टिकट की चढ़ गई तो एक साल का सजा मिल जाएगा। इस प्रकार से होता है। तो आप थोड़ा विचार करिए, जब एक साधारण सा व्यक्ति इस प्रकार से सिटी बना करके उसके अलग अलग नियम बनाता है, तो इतने बड़े भगवान, इतने बड़े सृष्टि की रचना किए, तो क्या कुछ नियम नहीं बनाए होंगे? और जब हम इस संसार में गलती करते हैं तो हमें पुलिस उठाती है, और उठा करके कहां डाल देती है? जेल में। अब जेल में क्या दिया जाता है? अच्छा अच्छा बिछावन लगा करके सोने के लिए, अरे प्रभु जी आ गए, थोड़ा पंखा करो, चोरी करके आए हैं, चलिए थोड़ा इनको, अरे ये तो मर्डर करके आए, इसको एसी वाले रूम में डालो, छप्पन भोग खिलाओ, ऐसी व्यवस्था करते हैं। क्या करते हैं? सजा दी जाती है ना, जितनी खतरनाक सजा उतनी, जितनी खतरनाक अपराध उतना खतरनाक सजा, है कि नहीं? है कि नहीं? ये बताइए। उसी प्रकार से जब भगवान ने ये सृष्टि बनाई ना, तो बहुत सुंदर नियम बनाए हैं कि भाई ये गलत कार्य करोगे ये सजा मिलेगी, ये गलत कार्य करोगे ये सजा मिलेगी, ये करोगे ये सजा मिलेगी, वो करोगे वो सजा मिलेगी। तो जैसे इस संसार में जेल है ना, तो भगवान ने भी एक जेल बनाया, और उस जेल का नाम क्या है? तिहाड़ जेल। क्या नाम है? ये तिहाड़ जेल तो भारत का जेल है, नरक। क्या है? नरक लोक। ठीक है, और यहाँ का जेल तो अभी हम लोग गए थे तो इधर यहाँ पे सामने जेल दिख रहा था, है इधर बगल में। हम लोग सोच रहे थे कि प्रभु जी चलते हम लोग थोड़ा जा करके कैदियों को कुछ भगवान की कथा सुनाया जाए, उनका भी उद्धार करना जरूरी है ना। हम लोग जाते हैं ऐसे जनरली जेल में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं हम लोग। तो उसी प्रकार का भगवान ने जेल बनाया, और उसके जेलर कौन है? यमराज। कौन है जेलर? असिस्टेंट जेलर कौन है? चित्रगुप्त। पुलिस कर्मी कौन है उसके? यमदूत। क्लियर है? साधारण सा लॉजिक लगा करके अपना व्यक्ति समझ सकता है, थोड़ी सी बुद्धि होगा तो समझ जाएगा। अब जिसके पास बुद्धि, जिसका बुद्धि घास चरने गया, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना? लेकिन ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ भगवान ने सारे नियम बनाए, और उन नियमों का वर्णन किया गीता में, भागवत में, अन्य अन्य पुराणों में भगवान ने उन सब का वर्णन किया। और क्या, यही है नरक। सजा का एक स्थान है जहां पर सजा दिया जाता है, और कुछ नहीं, यही है नरक लोक। लेकिन अगर उसी नरक लोक से बचना हो, अब मान लीजिए आप कहें कि प्रभु जी ये बात तो आपने सही बताते, हमें विश्वास भी हो गया, लेकिन हमने इस कथा से पूर्व बहुत सारे पाप किए हैं, उससे हमारा उद्धार कैसे होगा? कैसे उद्धार होगा? हाँ? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। क्या क्या प्रोसेस है?
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधारण सा प्रोसेस है, कोई भी व्यक्ति साधारणतः हरे कृष्ण महामंत्र जप करके भगवत धाम जा सकता है। आपने अभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोला ना, चैतन्य महाप्रभु का कोई व्यक्ति एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलेगा मैं उसे भगवत धाम लेकर के जाऊंगा, आप लोग जाएंगे गारंटेड है। लेकिन महाप्रभु ने कंडीशन रखा कि आगे वह कोई अपराध ना करे, आगे वह किसी की शिकायत ना करे, किसी की बुराई ना करे, कुछ गलती ना करे। लेकिन हम तो अनकंट्रोल्ड प्राणी हैं, किसी ना किसी की बुराई तो जरूर करेंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, डेली हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, डेली जप करना चाहिए, है ना, एकदम डेली जप करना चाहिए, एकदम डेली जप करना चाहिए। और अब अनुभव करेंगे, अब मैं क्या बताऊं इसकी महिमा, मैं क्या बताऊं। भगवान की इच्छा हुई और हम पुनः यहां पर अगर आए तो आप मुझे ये अनुभव बताना, ये अनुभव आप मुझे बताना। और ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति, सुन लीजिए नियम, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं प्रोजी क्या क्या नियम होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी हाल में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है किसी भी हाल में। वह मांसाहार करता हो करे, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जप करे। शराब पीता हो पिए, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जप करे। नशा करता हो, पर स्त्री पर पुरुष संग करता हो, जुआ खेलता हो, जो कर रहे करिए, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए। और ये हरे कृष्ण महामंत्र की कृपा से भक्तों आप अनुभव करेंगे कि आपका वो बुराई छूटता गया। एक सच्ची घटना ऑस्ट्रेलिया का, हमारे इस्कॉन का वहां पे केंद्र है। एक माता जी भक्त थी, लेकिन उसके प्रभु जी जो थे ना हस्बैंड, वो बहुत शराब पीते थे डेली। बाहर चले जाते शराब पीते। एक बार जबरदस्ती उसकी वाइफ उनको हम लोगों के मंदिर में लेकर के आ गई। अब मंदिर में लाने से अब भक्तों ने कहा हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए आपका शराब छूट जाएगा। तो वह व्यक्ति क्या बोलता है, हमको शराब छोड़ना ही नहीं है। बोले अरे नहीं छूटेगा, आप जप करते रहो ना, जप करो ना। बोले ठीक है। धीरे धीरे करके उसकी माता जी की कृपा से उसने एक माला करना शुरू किया, एक माला, केवल एक माला। एक माला करते 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 एक दो दिन, एक दो महीने के बाद आया, पूछा आप अभी भी जा रहे हैं उस शराब पीने के लिए। जाता हूँ, पहले तो महीने में डेली जाता था, लेकिन अब कभी कभी मतलब एक दो दिन नहीं भी जाता हूँ। पहले क्या बोलता, सुनो, एक दो दिन नहीं भी जाता हूँ। बोले ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहिए। धीरे 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 फिर एक दो महीने के बाद आया, बोले अरे अभी भी जाते हो। जाता हूँ, लेकिन अब जो है ना, मतलब अब सोचो कि महीने में मात्र 15 दिन ही जाता हूँ, 15 दिन ही जा पाता हूँ, अब उससे अधिक नहीं जाता हूँ। वहाँ ना वो लोग थोड़ा अजीब हैं, मतलब थोड़ा गलत लोग मुझे लगते हैं कि वो लोग गलत हैं। पहले वही लोग उसको अच्छा लग रहा था, अब वो खुद बोल रहा है कि वो लोग गलत हैं, ऐसा लगता है मुझे। फिर कुछ दिन के बाद आए, बोले अरे अब आप जाते हैं वहाँ पे। जाता हूँ, लेकिन मतलब महीने में अब 2-4 दिन ही जाता हूँ। कितने दिन जाता हूँ, 2-4 दिन ही जाता हूँ। अब मुझे ना वहाँ के लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन के बाद आए, बोला अब जाते हो। बोला अब महीने में केवल 1 दिन जाता हूं, वहां के लोगों की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। और 1 साल के बाद आया भक्त, तो पता चला पूरा का पूरा शराब छोड़ करके भगवान का हरिनाम संकीर्तन कर रहा है। ये है हरे कृष्ण महामंत्र के जप का प्रभाव। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस बहुत साधारण तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए। आप अनुभव कर पाएंगे कि भाई किस प्रकार से यह कार्य कर रहा है, अनुभव कर पाएंगे।
और साथ ही साथ इसके साथ ही साथ हमारे जितने भी ग्रह नक्षत्र इत्यादि होते हैं ना, कोई लोग कहते हैं ना हमें फलाना ग्रह नड़ रहा है प्रभु जी, फलाना नक्षत्र नड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, यह सब हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से सब अपने 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 स्थान पर जाकर के रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ये भगवान की अद्भुत कृपा है। अब देखिए कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का क्या प्रभाव है, आपको पता होगा या नहीं पता होगा। आप में से अजामिल का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाँ सुना है, यही आपके बगल के ही गांव में रहते थे। क्या नाम है इस गांव का? अरे इधर क्या गांव है नाम है? दौलत, दौलतपुर में रहते थे। अजामिल नाम का एक व्यक्ति था, सच्ची घटना है। मैत्रेय ऋषि इस कथा को भगवान के चरण को छू करके बताते हैं। देखो मैं भगवान के चरण को छू करके कह रहा हूं, भगवान के चरण को छू करके झूठ बोलेगा कोई? क्या कहते हैं सुनो, एक अजामिल नाम का व्यक्ति था, ब्राह्मण था, बहुत अच्छे परिवार से था। लेकिन भक्तों हमारे जीवन में जब हम कुछ गलत कार्य शुरू करते हैं ना, तो वो कैसे शुरू करते हैं जानते हैं? थोड़ा बच्चों को शांत कराइए, आप लोग वहां खड़े हैं ध्यान रखिए, उधर बच्चे लोगों का थोड़ा ध्यान रखिए। मास्टर लोग क्या करते हैं कि जब स्कूल में जाते हैं ना, तो जब सब बच्चे लोग शैतानी करते हैं, तो किसी जो बदमाश बच्चा नहीं रहता ना, थोड़ा उसको डांट देते हैं और एक दो थप्पड़ लगा देते हैं, तो सारे बदमाश बच्चे शांत हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ उपाय करिए और लोगों को शांत करिए, उत्पात मचा रहे हैं एकदम। तो बहुत सुंदर अजामिल का बहुत सुंदर जीवन था भक्तों। लेकिन आप जानते हैं जब भी हम कुछ पाप करना शुरू करते हैं ना, तो पहले उसको अपनी आंखों से देखते हैं, तब पाप करना शुरू करते हैं। खैनी पुड़िया सब कैसे शुरू हुआ? हमने देखा फलाना व्यक्ति खा रहा है और बीच में थू 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 करते रहता है, क्या आनंद है इसको, हम भी थूकेंगे खा खा के। खाने लगा सिगरेट, पीता है फूकता है, पीता है फूकता है, देखो हीरो लगता है, हम भी फूकेंगे। तो देख के व्यक्ति पाप करना सीखता है। तो ऐसे ही अजामिल बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन एक दिन जंगल से लकड़ी काट करके आ रहा था, तो एक वैश्या को एक पुरुष का आलिंगन करते देखा, बस उसका मन भटक गया और उसी समय वह उस वैश्या के प्रति आकर्षित हो गया और उसने क्या किया, फिर उस वैश्या के साथ विवाह कर लिया। और विवाह करने के पास उस वैश्या का भरण पोषण करने लगा, उसकी पत्नी थी अपनी, लेकिन उसने उसको निकाल दिया। जब काल मनुष्य पे छा जाता है ना, तो ये सारी क्रियाएं बहुत आसान हो जाती है। उस समय वो अजामिल के कई सारे पुत्र हुए। एक दिन उसके गांव में कुछ साधु आया, जैसे आपके गांव में भी बहुत सारे साधु लोग आए हुए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए घूम रहे हैं। अब ये थोड़े आप लोगों के मन में साधु को सुनकर के तुरंत मन में विचार आता है, कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होगा, दाढ़ी वीढ़ी बड़ी बड़ी होगी, बाल उल पका विका होगा। अब ये छोटे छोटे बच्चे साधु को देख करके विश्वास नहीं होता है, कुछ लोगों को लगता है क्या सुनाएगा कथा, ये तो छोटा सा बच्चा है, ये क्या कीर्तन करेगा। फिर देखते तो पता चलता रे बाप रे बाप। तो साधु आया और साधुओं ने पूछा, अब साधु तो साधारण जब भी किसी गांव में आता है तो सबसे पहले किसी भक्त को ढूंढता है, बोले इस गांव में कोई भक्त है? तो बच्चे लोग खेल रहे थे और मजाक करने के लिए बोल दिया, हाँ है ना अजामिल बहुत बड़ा भक्त है, जाओ उसके घर पे। ये लोग गए तो जाकर के देखा कि अरे ये तो बहुत बड़ा पापी है। लेकिन उस समय उन्होंने देखा कि उसकी वाइफ के गर्भ में, उसकी पत्नी के गर्भ में एक बालक था। संत लोग जब जाने लगे तो कहा कि आपने बहुत सुंदर सेवा की, एक काम करना, अब जब ये बालक होना तो उसका नाम नारायण रख देना। क्या रख देना? नारायण। तो वह नारायण रख दिया गया। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम नारायण रख दिया गया और अजामिल
जैसे ही कहा कि नारायण मेरे गोद में आ, कहते हैं उसी समय उसके पूर्व के सारे पाप जल करके ध्वस्त हो गए, सारे पाप जल करके ध्वस्त हो गए। अब जब वह नारायण इधर आ, नारायण खेलने चलो, नारायण मेरे गोद में आ जाओ, नारायण वहां जाओ, ये सब तो स्वीकृति बढ़ने लगी धीरे 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 धीरे। जामिल बूढ़ा हो गया और एक दिन बिछावन पर पड़ा था और कुछ देर में देखता है कि एकदम काल रात्रि के समान भयानक भयानक काजल के पहाड़ के समान काला काला पुरुष उनके सामने खड़ा है। वो तो कह रहे हैं कि से मारो, और उसी समय उन्होंने अपनी वो जो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, हथकड़ी, हथकड़ी फेंकी, उस अजामिल को पकड़ा। तो जैसे ही पकड़ा तो वह अजामिल कहा नारायण भाग जाओ। उसे लगा कि अगर ये मेरे बेटे इसको देख लिए तो डर जाएगा, तो इसलिए क्या कहा, नारायण भाग जाओ। अब जैसे ही नारायण कहा, भक्तों कहते हैं उस समय वहां पे चार दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। यहां तक कि उन्होंने भगवान को याद नहीं किया, अपने पुत्र को भागने के लिए कहा, लेकिन भगवान का नाम था इसलिए चार दिव्य पुरुष वहां पर प्रकट हो गए और तुरंत उन यम दूतों को मारकर धमकाकर डरा करके भगा दिया, भागो गेट आउट, भगा दिया। भगाने के बाद आपके मन में प्रश्न आ गया होगा, आखिर उसने भगवान को बुलाया नहीं, फिर भगवान अपने दूतों को क्यों भेज दिया उसकी रक्षा करने के लिए। ये भगवान के नाम की शक्ति है भक्तों, ये भगवान के नाम की शक्ति है, ध्यान रखिएगा, नाम की शक्ति है। जैसे आप अगर मिश्री को सॉरी फिटकरी को मिश्री समझ के खा जाएंगे तो क्या वह मीठा लगेगा, नहीं ना लगेगा। तो वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती है। अब मान लीजिए आप जानते हैं कि आग का कार्य है जलाना, आप अगर जान करके आग में हाथ डालेंगे तो आपका हाथ क्या होगा। अब अगर कोई बच्चा नहीं जान रहा है कि भाई ये आग जो है ये तो कुछ भी नहीं है, तो वह हाथ डालेगा तो उसको तो जलाना नहीं चाहिए, जलाएगा क्या, जलाएगा क्या, क्यों जलाएगा, उसका भाव तो ऐसा नहीं था कि ये जला देगा, क्यों जलाएगा, हाँ, क्योंकि आग का कार्य है जलाना, आग का कार्य है जलाना। अब आप जान करके हाथ डालिए या फिर अनजाने में हाथ डालिए, ठीक उसी प्रकार से भगवान के नाम का कार्य है हमारे समस्त पापों को जलाना और भगवत धाम प्राप्त कराना। तो आप जान कर करिए अथवा अनजाने में करिए, भगवान का नाम आपको भगवान के धाम को लेकर के जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब बोलेंगे प्रमाण, अरे अनेकों प्रमाण, हजारों प्रमाण, आपको भी अजामिल का प्रमाण दिखाया, कितने प्रमाण देखेंगे आप, करोड़ों प्रमाण, कितने प्रमाण देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं अरे मुख में ना राम बगल में छुरी, अरे भाई रखो छुरी चलेगा, राम का नाम तो लो, राम का नाम धीरे धीरे क्या करेगा, वह छुरी को हटवा देगा। वाल्मीकि ऋषि क्या करते थे, जानवरों को मारते थे, क्या करते थे, जानवरों को मारते थे और भगवान का नाम भी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन मरा 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 करते 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 भगवान बहुत बड़े भक्त हो गए। और इससे पहले कि संसार में भगवान आवे लीला करे, उससे पहले तो उन्होंने भगवान की लीला लिख दी। ये भगवान के नाम की महिमा। मृगरारी, मृगरारी आप जानते हैं, ये तो एकदम खतरनाक क्या करता था मालूम है, जंगल में रहता था और जानवर को आधा काटता था, पूरा नहीं छोड़ देता था, और जब वह तड़प तड़प के मरता था बड़ा आनंद आता था, इसे ताली बजाता था, कूदता था, उछलता था। एक दिन की बात, नारद जी जा रहे थे, बोले मृगरारी ऐसा क्यों मारते हो, बोले महाराज बड़ा आनंद आता है मारने में, ये तड़पते तो बड़ा आनंद आता है। बोले जानते हो तुम्हें इसे क्या मिलेगा, बहुत पाप लगेगा। बोले महाराज पाप क्या होता है, बहुत कुछ बताया। बोले महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी, अब बताओ क्या करना चाहिए। बोले हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, राम राम बोलो, बोलना शुरू किया, बोलना शुरू किया, बोलना शुरू किया। भक्तों
कुछ दिन के बाद नारद जी उसी रास्ते से जा रहे थे। अब नारद जी जब जा रहे थे तो बोला, अरे यही मेरा शिष्य मृगरारी रहता था, थोड़ा जाके देखूं तो मृगरारी क्या कर रहा है आजकल। मृगरारी के पास गए और मृगरारी के पास जैसे ही गए भक्तों, तो कहते हैं वह मृगरारी उछल उछल के चल रहा था। नारद जी को देख करके वो उछल उछल के चल रहा था। अब गुरु जी आए हुए, उछल उछल के चल रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर फुदकता है कभी उधर फुदकता है। अब महाराज गुरु आए हैं तो गुरु के सामने दंडवत करना है। दंडवत करने से पहले पूरे जमीन के ऊपर फूंक रहे हैं, उसके बाद दंडवत किए। दंडवत करके उठे तो नारद जी पूछते हैं, मृगारी ऐसा क्यों कर रहे थे? बोले, महाराज रास्ते में बहुत सारी चींटियां पड़ी हुई थी, मेरा पांव जाता तो मर जाते ना। सोचो, जो एक दिन आधा जानवर को मारता था, आज एक चींटी को नहीं मारना चाह रहा है। किसकी कृपा से? भगवान के नाम की कृपा से। अद्भुत है भगवान के नाम की कृपा, अद्भुत। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु पूछे कि हरिदास, हरिदास मुझे इन मुसलमानों के ऊपर बड़ी दया आ रही है, कैसे इनका उद्धार होगा, कैसे इनका उद्धार होगा? हरिदास कहते हैं, प्रभु ये बात बात पे ना हराम शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हराम। प्रभु आप इतनी कृपा करना कि हा हटा देना, हा नहीं सुनना और राम सुन लेना प्रभु, और इनका उद्धार कर देना। हरिदास ठाकुर झूठ बोलेंगे? हरिदास ठाकुर झूठ बोलेंगे? 550 साल पहले ये हमारे बंगाल के संत हुए भक्तों, बंगाल के संत हुए हरिदास ठाकुर। मुस्लिम परिवार में जन्म, मुसलमान, और 24 घंटे में 23 घंटे भगवान का हरिनाम जप करते थे। 3 लाख बार जप करते थे। कितने बार? 3 लाख नाम जप करते थे एक दिन में। एक दिन की घटना, कुछ ब्राह्मण उनसे जलने लगे। बोले, रे इस मुसलमान को हमसे ज्यादा इज्जत मिल रहा है। जा करके वहां के काजी से कंप्लेन किया कि तुम अपने धर्म वाले को समझाओ, क्या कर रहा है आजकल, संभाल नहीं पाते। राजा ने एक वेश्या हीराबाई को भेजा कि हीराबाई, ये हरिदास को तपस्या भंग कर दो, खत्म कर दो इसकी तपस्या। बोले, महाराज चिंता क्यों करते हो? हीराबाई अभी जा रहा हूं और सवेरे उसे हीरा दासी बना लूंगी। क्या बनाऊंगी? हीरा दासी। बोले, ठीक है, जाओ हीराबाई। वह गई। रात भर हरिदास ठाकुर करते रहे क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रात भर करते रहे वह वैश्या, रात भर हरिदास ठाकुर के मुख से भगवान के नाम का श्रवण, कीर्तन श्रवण करते रहे रात भर। सवेरे उठी, पूछा, माते तुम्हारी कुछ इच्छा थी? यह वैश्या मुस्कुराई और चल दी। बोली, क्षमा करना, आज तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाई, कल करूंगा। बोले, ठीक है। पुनः यह वैश्या आई कल, बहुत सुंदर, तेज, बहुत सुंदर सज धज कर आई। आकर के फिर खड़ी हो गई और हरिदास ठाकुर फिर करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से सवेरा हो गया। क्षमा करना माते, आज भी तुम्हारी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाया, क्षमा करना, कल करूंगा, कल आ जाना। फिर शाम को वह वैश्या तैयार होकर के आई। रात भर हरिदास ठाकुर जप करते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सवेरे उठते हैं तो देखते हैं कि वह वैश्या हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरी हुई है। कहते, महाराज मैं यहां आई थी आपकी तपस्या को भंग करने के लिए, महाराज मैं आई थी आपको हीरा दासी बनाने के लिए, लेकिन ये हीरा बाई आज खुद हरी दासी बन गई है। हरी दासी बन गई। ये भगवान के नाम की महिमा, अद्भुत अद्भुत। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पीटा गया। कितने बाजार में? 22 बाजार में।
लेकिन जितने ही कोड़े पड़ते थे ना उनको उतने ही जोर से चिल्काल चिल्लाते थे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर को कोई नहीं मार पाया। अंत में हरिदास ठाकुर देखे कि भगवान का सुदर्शन आ रहा है इन चंडालों को मारने के लिए। उस समय भगवान से प्रार्थना की। देखिए ये भक्त का स्वभाव है कि प्रभु ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करिए। फिर सुदर्शन वापस चले गए। तो भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है भक्त, अद्भुत। इसीलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है कि भगवान का नाम जप करिए, नाम जप करिए, कोई नियम नहीं, जैसे है ना वैसे जप करिए। सब लोग तो बहुत बोलते हैं आपको कि प्रभु जी अरे ये मत खाओ, मैं कहता हूँ जो कर रहे हैं सब खाओ पियो, जो करना है करो, बस हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर इसके ऊपर कहते हैं, क्या जयति जयति नामा, नहीं ताली नहीं बजाना, सुनो, नंद रूपम मुरारे। क्या कहते हैं, भगवान श्री मुरारे के नाम की जय हो, जय हो, जय हो। विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियतनम। अब मैंने मेरे सारे ध्यान सारे पूजा सब कुछ छोड़ दिया है, क्यों, कथम अपि शक्रिदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यः। क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जपता है, भगवान का नाम जप करता है, तो कहते हैं परम मम अमृतम एकम जीवनम भूषणम मे, यह परम अमृत है और जीवन का केवल एक ही भूषण है। कथम अपि शक्रिदातम मुक्तिदम प्राणियत, कोई भी व्यक्ति कैसे भी जप करता है, मुख से जप करता है हरे कृष्ण महामंत्र उसका उद्धार हो जाए, तो मानो कोई प्रश्न करे प्रभु वो गूंगा व्यक्ति उसका उद्धार कैसे होगा, तो कहते केवल कान से सुन लेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। प्रभु चलो मान लिया, लेकिन कोई गूंगा है और बेरा है तब कैसे उसका उद्धार होगा, तो बोले बहुत सुंदर बहुत जगह हरे कृष्ण महामंत्र लिखा रहता है ना, तो कोई व्यक्ति उस हरे कृष्ण महामंत्र को आंखों से देख लेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो बोलते हैं कि प्रभु गूंगा भी है बेरा भी है अंधा भी है, अब बताओ कैसे उद्धार होगा। बोले बहुत जगह दीवाल में लिखा रखता है, किसी तरह गलती से भी उसको स्पर्श कर लिया उसने ना तो उसका उद्धार हो जाएगा, लेकिन उद्धार जरूर हो जाएगा। कथम अपि शक्रि, किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति भक्ति के संसर्ग में आता है, भगवान का नाम जप करता है, तो उसका उद्धार निश्चित हो जाता है। आप सभी से निवेदन है, मैं इस व्यास मंच पे बैठ करके हाथ जोड़ करके आप सबसे निवेदन करता हूं, आप लोग सब हमारे माता पिता के समान हैं, और आपका यह पुत्र आपसे निवेदन कर रहा है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, जप करिए, जप करिए। देखिए आपके मन में होगा आप क्यों बता रहे हैं, आप गुरु हैं, नहीं मैं गुरु नहीं हूं, लेकिन हमने कहा ना कि आप हमारे माता पिता के समान हैं, भाई बहन के समान हैं। आप और मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, अच्छा आप लोग बताइए पैरासीटामोल कौन सी चीज की दवाई है, सब लोग बताइए, सब लोग जानते हैं। आप लोगों ने कभी किसी को बोला है पैरासीटामोल खाने के लिए, कितने लोगों ने बोला है, हाथ खड़ा करो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सब लोगों ने बोला होगा कि नहीं, थोड़ी सी शरीर गर्म होती है पैरासीटामोल खा लो ना ठीक हो जाएगा। आप डॉक्टर हैं, है डॉक्टर नहीं है लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपने अनुभव किया है कि मुझे बुखार थी, मैंने पैरासीटामोल खाया, मेरे बुखार उतर गई, वैसे ही मैंने अनुभव किया मेरे जीवन में बहुत सारे पाप थे, बहुत सारे गलत कार्य थे, बहुत सारे बुखार, बहुत सारा ना जाने क्या क्या था, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र रूपी दवाई लिया, यह सारा कुछ मेरे जीवन से उतर गया, इसलिए मैं आप लोगों को आज सजेशन कर रहा हूं कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, जप करिए, है ना, जप करिए, जरूर जप करिए। बहुत सुंदर हमारे इस्कॉन देवघर के केंद्र से बहुत सारे भक्त आए हुए हैं आज स्पेशली
झोली माला और भागवत गीता देने के लिए। और आकर के वे लोग बहुत सुंदर स्टूडेंट्स हैं, सब लोग बहुत सुंदर स्टॉल भी लगाए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग माला लीजिए और भगवान का नाम जप करिए, ठीक है। और अगर किसी के पास दिक्कत तो पैसे की तो मुझसे ले लेना, लेकिन माला जरूर लेना, जप करो, ठीक है, जरूर करो जप। तो इस प्रकार से जप करना चाहिए। तो हम खैर बता रहे थे कि हम कहते हैं भजन भक्ति करने के लिए, लेकिन लोग कहते हैं यही कि समय नहीं है, समय नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है। आप लोग 6 बजे उठते होंगे, 7 बजे उठते होंगे, आपको अपने जीवन से मात्र आधा घंटा, आप जो कर रहे हैं ना उससे बस आधा घंटा पहले उठना है और उठ करके भगवान का नाम जप कर लेना है। आपको भगवान ने कितने घंटा दिया हुआ है, कितना घंटा दिया हुआ है, हाँ 24 घंटा। और जानते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र को 16 माला करना चाहिए, कितना माला, 16 माला। और 16 माला करने में 2 घंटा लगता है, कितना घंटा लगता है। तो क्या जिस भगवान ने हमें 24 घंटा दिया है, हम उनको अपने जीवन से 2 घंटा नहीं दे सकते? कौन नहीं दे सकता है, थोड़ा हाथ खड़ा करो, तो जो नहीं दे सकता है वो खड़ा करना है? सब लोग दे सकते हैं, क्या बात है। फोटो खींचो, कोई खड़ा नहीं किया है, फोटो खींचिए, रख लो, सबको पकड़ पकड़ के हरिनाम दो। बहुत अच्छे हैं आप लोग, सब लोग लीजिए, लेना ही चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कि प्रभु जी 2 घंटा, कुछ लोगों के मन में तो आ गया होगा 2 घंटा हम लोग कल से दे देंगे। आप अभी 2 घंटा मत दीजिए, 4 माला जप करिए आप, कितना माला, 4 माला छोड़ रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि भाई 4 माला करिए। अब 4 माला भी करेंगे ना, 4 माला करने में कितना समय लगेगा, आधा घंटा, 24 मिनट अधिक से अधिक। अब बताइए क्या हम 24 घंटे में से भगवान को 24 मिनट नहीं दे सकते हैं? दे सकते कि नहीं दे सकते हैं? कौन नहीं दे सकता है 24 मिनट? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 24 मिनट कौन नहीं दे सकता है, सबको करना चाहिए। और इस माला के लिए कोई नियम नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन जप करिए। ये इतना शुद्ध है भक्तों, इतना शुद्ध है कि कोई माताजी रजस्वला स्थिति में मासिक धर्म में भी इसका जप कर सकती है, कोई नियम नहीं, कभी भी आप जप कर सकते हैं। खा के भी जप कर सकते हैं, बिना खाए भी जप कर सकते हैं, नहा के भी जप कर सकते हैं, बिना नहाए भी जप कर सकते हैं, लेकिन जप जरूर करिए, जप जरूर करिए, जप जरूर करिए, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। कुछ लोगों को अगर डर लगे समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, तो समाज की बात मत सुनिए, समाज का काम ही है कुछ ना कुछ कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। और कहने में क्या लगता है, खाली मुंह खोल दीजिए, कुछ ना कुछ निकलेगा ही, कुछ ना कुछ निकलेगा ही। एक बार एक पति पत्नी गधे पर बैठ करके एक गांव से जा रहे थे, तो कुछ लोग, 2-4 माता जी लोग एक घर पे खड़ी थी, देखो तो कितना बेशरम आदमी है बेचारा, एक छोटा सा गधा उसके ऊपर दोनों चढ़ गई है। अब पति सुना बेचारा तो उतर गया, बोले चलो पत्नी है उसे बैठे रहने दो, मैं नीचे चलूंगा पैदल। तो पति बेचारा पैदल पैदल, पत्नी बैठी भी थी गधे पे, जा रहा था, तब तक कुछ और माता जी लोग, कुछ प्रभु जी लोग मिल करके दिव्य वचन कहने लगे, क्या जमाना आ गया है, देखो बेचारा पति पैदल चल रहा है अब पत्नी गधे पे बैठ के जा रही है, देखो यही तो संसार है आज। अब बेचारी पत्नी नीचे उतर गई, पति बेचारा ऊपर बैठ गया। अब क्या कहते हैं,
जैसे ही उतर गए, थोड़ा दूर चला, तब कुछ और माता जी लोग खड़ी थी, वो लोग क्या कहती है, देखो देखो इस मूर्ख को देखो, बेचारी स्त्री है, कोमल होती है, थक जाएगी, बेचारी को पैदल चला रहा है, खुद मूर्ख बैठा हुआ है गधे के ऊपर। अब क्या किए, दोनों उतर गए, दोनों पैदल जाने लगे, गधे को भी पैदल ले लिया। तो अब क्या कहते हैं कुछ देर के बाद, ये लोग दोनों देखो तो कितना मूर्ख है, गधा रहते हुए भी पैदल जा रहा है। यही है संसार, तो यही है संसार। आज आपको हाथी की मंडी पे बिठाएंगे, कल गधे के ऊपर बिठाएंगे। आंख सीधी रख के चलो तो माता बहनों पे आंखें डालता है, ऊपर रख के चलो तो घमंड हो गया, नीचे रख के चलो तो कुछ गंदा कर्म करके आया है, और इस समाज वालों की बातें सुन करके आंखें फोड़ दो, किए हुए कर्मों का फल भोग रहा है। यही है संसार, यही है संसार। ये संसार, ये समाज ना कभी अपना हो ही नहीं सकता। सब लोग लिख के ले लीजिए इस बात को, कभी नहीं अपना हो सकता, गारंटेड है। और जो जो व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करता है ना, इस समाज वाले तुरंत उसके टांग को पकड़ कर धड़ाम से खींचना शुरू कर देते हैं। बताइए क्या बिगाड़ी थी मीरा बाई ने, क्या बिगाड़ा था, कुछ बिगाड़ी थी किसी का? बेचारी अपनी भक्ति किया करता था, लेकिन इन्हीं समाज वालों ने मीराबाई का तिरस्कार कर दिया। माता जी सवेरा हो गया, माता जी मंगला आरती करना है, माता जी तुलसी परिक्रमा कर लो, उठ जाओ माता जी, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ माता जी, प्रभु जी ऑफिस जाएंगे आपके, उनके लिए खाना तो बना दो। बच्चों के लिए नाश्ता तो पैक कर दो, उठ जाओ ब्रश कर लो, कितना सोएंगे कितना सोएंगे, क्या करते रात को? हाथ उठाइए, वर दोनों दोनों हाथ उठाइए, अरे उठाइए हाथ, शरमाइए मत, हाथ उठाइए, शरमाइए फिर नहीं लगेगा, मैंने देख लिया है आपको, हाथ उठाइए। हाँ ठीक है, जोर से बोलिए एक बार, माता जी बोलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र, बोलिए, अरे बोलिए बोलिए, हरे कृष्णा, अरे हाथ खड़ा करके बोलिए, हंसना नहीं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अरे खड़ा करिए हाथ, हरे हरे, बोलिए जोर से, हरे राम राम राम। मैंने आपको पहले ही बोला था, ये तो बहुत छोटा सा है, बड़ा बड़ा कथाओं में भी अगर कोई सोता है तो मैं पकड़ लेता हूँ। सोना नहीं चाहिए, क्यों सोएंगे यहाँ पे, सोने के लिए क्या चर्चा कर रहा था, मैं तो खुद ही भूल गया, बताओ हैं मीराबाई, क्या बिगाड़ा था मीराबाई ने संसार का, बताओ क्या बिगाड़ा था, कुछ बिगाड़ा था, लेकिन समाज वालों ने तिरस्कार किया। नरसिंह मेहता ने क्या बिगाड़ा था, लेकिन इसी नरसिंह मेहता के ऊपर जूनागढ़ में लोगों ने पत्थर फेंका भक्तों। क्या बिगाड़ा था सुकरात ने, क्या बिगाड़ा था मोहम्मद साहब पैगंबर ने, क्या बिगाड़ा था जीसस क्राइस्ट ने, सूली पर चढ़ा दिया। ये तो भगवान के भगत थे, पहले क्या करते, ये जगत का क्या दस्तूर है मालूम है, जब कोई भक्ति करता है ना, पहले तो उसको सजा देंगे, बाद में उसको भगवान बना देंगे। यीशु मसीह जब जगन्नाथपुरी में थे, जगन्नाथ मंदिर में वो 12 साल रहे, और 12 साल रहने के बाद जब वो प्रचार करने के लिए गए पाश्चात्य देशों में जाकर के, जब प्रचार करने लगे तो बहुत सारे फॉलोअर्स बने, और फॉलोअर्स के साथ साथ बहुत सारे उनके विरोधी भी हो गए, विरोधी में एक कुछ शिष्य भी हो गए, और यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझे सूली पर चढ़वाओगे, लेकिन फिर भी ये भगवान के भगत हैं तो बोलते हैं मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, और यही हुआ, दो दिन के बाद उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। और जब सूली पर चढ़ गए तब, अरे ये तो भगवान थे, हम लोग जाने ही नहीं, अब अगरबत्ती दिखाओ दिया करो, जब जिंदा थे उस समय सूली पर चढ़ा दिया। ये है संसार, यही है संसार। लेकिन ध्यान रखिए, लहरों के साथ सब तैर सकता है, लेकिन सच्चा तैराक वो है जो लहरों को तीर, क्या कहते हैं, चीर करके आगे बढ़े, है ना। समाज के लोग कभी कभी भक्तों को पागल कहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि पागल ये नहीं, पागल वो पागल कहने वाले हैं। अब लोग कभी कभी पागल खाना गए नहीं, प्रभु जी पागल खाना जाते तो यहाँ क्यों बैठते हैं,
ये घूमने के लिए तो पागल खाने में क्या होता है मालूम है आपको? पागल खाने में क्या होता है, बहुत सारे पागल लोग बैठे रहते हैं, बहुत सारे पागल होते हैं, डॉक्टर्स बहुत कम होता है। तो जब डॉक्टर्स आते हैं ना तो पागल लोग सब मिल करके क्या बोलते हैं मालूम है? ये देखो पागल आ रहा है, देखो 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 पागल आ रहा है, देखो 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 पागल आ रहा है डॉक्टर्स को। पागल है वो खुद लेकिन बोल रहे हैं किसको? डॉक्टर को। उसी तरह ये जगत वाले पागल है लेकिन बोलते किसको है पागल? भगत को। भक्त को पागल कहता है संसार। तो ये गजेंद्र मौज मस्ती कर रहा था, खेल रहा था पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, समाज के साथ। जैसे ही यह विशालकाय हाथी इस सरोवर के जल में मस्ती करने लगा, कूदने फांदने लगा, तुरंत उस सरोवर का जल क्या होने लगा? आंदोलित होने लगा, है ना। और पूरे सरोवर का जब जल हिलने लगा तो तलहटी के नीचे एक मगरमच्छ बैठा हुआ था, बोले रे मेरे घर में आकर के सरोवर को जल को इस प्रकार से हिलाने वाला कौन है रे, थोड़ा जाके देखो। वह मगरमच्छ धीरे 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 करके ऊपर आ रहा है। उसी प्रकार से जिस प्रकार हम मस्त होते हैं अपने कार्य में, अपने इंद्र तृप्ति में, और पीछे से काल आ रहा होता है, आ रहा होता है, और हम अपनी इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि कब काल हमारे नजदीक आ चुका है, अब हमें पकड़ने ही वाला है, पकड़ने ही वाला है। हम अपने मौज मस्ती में रत होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये गजेंद्र मौज मस्ती में रत था, रत था, रत था, और गप करके उसके पांव को उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया। हम भी मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, और गप करके काल आता है और फिर हमारा हो जाता है राम नाम सत्य है। ये राम नाम सत्य है जानते हैं इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? है राम का नाम ही सत्य है। वास्तव में ये चीज जन्म के समय बताना चाहिए बच्चों को कि राम का नाम सत्य है बेटा, लेकिन ये उल्टा परंपरा चल गया, मरते वक्त बोलते राम नाम सत्य है। माल राम का ही नाम सत्य है, सब लोग समझा रहे हैं। मुझे तो लगता है कभी कभी वो बेचारा उठ करके इन चारों को दो चार थप्पड़ नहीं लगा दे, पहले क्यों नहीं बताया? जब बचपन से ही जी रहा था उस समय क्यों नहीं बताया कि राम का नाम सत्य है? अब मैं मर गया हूं तो राम का नाम सत्य है बता रहा है मुझे है? राम का नाम सत्य है जानना चाहिए। तो मगरमच्छ धीरे धीरे करके आया और हाथी के पांव को मैं पकड़ लिया। हाथी ने सोचा कि अरे मगरमच्छ होगा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग हाथ उठा करके बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब लोग मुंह से नहीं बोल रहे हैं क्यों? सभी लोग बोलिए मुंह से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हाथी ने सोचा मगरमच्छ होगा, दो तीन बार हिलाऊंगा निकल जाएगा। तो बलवान था ना, परम बलवान। इस संसार में काल किसी व्यक्ति को पकड़ लेता है ना भक्तों, लेकिन फिर भी व्यक्ति को यह बुद्धि नहीं आती है कि अब तो संसार से आसक्ति मुक्त होकर के भगवान के भजन भक्ति करो। नहीं, हम सब लोग काल के मुंह में फंसे रहते हैं, जैसे हाथी का पांव मगरमच्छ के मुंह में फंसा हुआ है। जब हम काल के मुख में और फंसते जाते हैं तो भगवान नोटिस भेजते हैं क्या? पहले तो हमारे कान के पास के बाल सफेद हो जाते हैं। मैं आज से 50-60 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एक स्वस्थ समाज की बात कर रहा हूँ। आज तो खान पान बिगड़ा है तो बच्चा जन्म होता है और पता चलता है बाल ही पका हुआ है, जन्मते ही पक्का बूढ़ा है ना। लेकिन जब खान पान स्वस्थ थे, दूध सही था, अन्न सही थे, उस समय जब बाल पकता था ना तो पहला बाल ही कान के पास पकते थे। तो उसको सोच करके व्यक्ति समझ जाता था कि भाई हमें भगवान की भक्ति करना है। राजा दशरथ
अपने कान के पास के ही बाल को देखा कि मेरे सफेद हो गए हैं और निर्णय ले लिया। क्या निर्णय लिया? कि मुझे अब राज्य को त्याग देना है, भगवान का भजन करूंगा। एक बाल सफेद होते ही राजा दशरथ ने सारा राजा पाठ सौंप दिया, भगवान के भजन में लग गए। यहाँ तो सारे के सारे बाल पक जाते हैं लेकिन फिर भी घर से निकलने का नाम नहीं, डाई लगा लेते हैं, काला कर लेंगे। तो गजेंद्र मस्त था अपने कुटुंब परिवार में, भरण पोषण में आसक्त था। और गजेंद्र का पांव उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया, गजेंद्र छुड़ाने का प्रयास किया, नहीं कर पाए। अब गजेंद्र को धीरे धीरे गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच में युद्ध होने लगा। और कहते हैं यह युद्ध एक दिन, दो दिन नहीं, 1000 वर्ष तक चला। कितने वर्ष तक चला? 1000 वर्ष तक। अब धीरे 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 गजेंद्र की शक्ति छीन होती गई। भक्तों, सुखदेव जी कहते हैं ऐसे एक नहीं हजारों मगरमच्छ को गजेंद्र उड़ा करके फेंक देता, लेकिन क्या करें, गजेंद्र के घर में फंसा है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है ना, यदि पृथ्वी पर होता तो गजेंद्र में बल होता, पर यहां गजेंद्र का बल घटता गया। स्थान का बड़ा प्रभाव होता है भक्तों, बहुत प्रभाव होता है। मंदिर में, कथा पंडाल में, ये सब सत्वगुणी स्थान है ना। शराब खाना, मांस खाना, ये सब क्या है? तमोगुणी स्थान है ना। तो इन सारे चीजों में जाना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, भगवान तो हर जगह है, भगवान को यहीं से प्रणाम कर लो, हो गया। तो इनके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण कि भाई हमारे वातावरण में 4% पानी है, कितना? 4%। तो पानी पीने के लिए कुएं के पास जाने की क्या जरूरत है? तो वातावरण से ही टान सकता है, पानी टान ले, है हिम्मत है, सांस ले रहा है, 4% पानी पी रहा है, फिर पानी पीने की क्या जरूरत है? पानी जैसे हर जगह है, लेकिन उस पानी को पीने के लिए हमें कुएं के पास, नल के पास जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान हर जगह है, लेकिन उस भगवान का साक्षात दर्शन करने के लिए हमें मंदिर जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव होता है भक्तों। तो धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति छीन होती गई, मगरमच्छ की शक्ति बढ़ गई। संसार में देखा जाता है जब किसी की मृत्यु निकट हो जाती है ना, तो उसके कुटुंबजन बहुत प्रयास करते हैं उसको बचाने का, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत अधिक प्रयास करते हैं। लेकिन भक्तों, गजेंद्र के सारे पत्नी बच्चे मिल करके गजेंद्र को बचाने का प्रयास करने लगे। क्या कि ये लोग सूंड़ का चैन बना लिए, एक एक करके उतरे, ये इसका सूंड़, ये उसका सूंड़, ये उसका सूंड़, पकड़ लंबा चैन बना लिए, गजेंद्र को पकड़े, खींचने का प्रयास किए। लेकिन ये जब मगरमच्छ ऐसे करके घुमाता था तो सारे उसके बच्चे उच्चे चारों ओर घूमने लग जाते थे, वो कड़ी टूट जाती थी। तो बार बार गजेंद्र बचाने का प्रयास किया, नहीं बचा पाया। मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है, बार 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 बचाने का प्रयास किया, नहीं बचा पाया। अब गजेंद्र धीरे 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 करके डूबने लगा भक्तों, धीरे धीरे करके डूबने लगा। कहते हैं अब वह गजेंद्र धीरे 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 पानी में डूबने लगा। तो उसी समय सुखदेव जी को गोस्वामी कहते हैं कि बस अब गजेंद्र डूबने ही वाला था, एक मिनट का फासला था। लेकिन सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं कि उस मरते समय, मरने के अंतिम घड़ी में, एवं व्यवस्थिया बुद्धिया समाधाय मन हृदय जजाप परमम जाप्यम प्राक जन्मणी अनुशिक्षितम। ये गजेंद्र पूर्व जन्म में बहुत बड़ा भगवान का भक्त था और भगवान की बहुत स्तुति किया करता था,
तो मरते मरते समय अंतिम समय में हाथी के शरीर में होते हुए भी पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण गजेंद्र को वह स्तुति आ गई और मरते मरते उसने उस तालाब से एक फूल लिया और कृष्ण को अर्पित करते हुए भगवान को फूल अर्पित करते हुए मुख से स्तुति निकल गई क्या। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे गोविंद हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे 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 हे गोविंद हे गोपाल 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 अब तो जीवन हारे पीवन हेतु गए जमुना के किनारे नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे सिंधु बीच बसत ग्राम चरण ग्रहि पकारे सिंधु बीच बसत ग्राम चरण बीच बसत ग्रा चरण गही पचारे सिंधु बीच बसत ग्रा चरण गही पचारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे भक्तों गोविंद से प्रार्थना करेंगे हम भी हमारे जीवन में इसी प्रकार से फंसे गोविंद से प्रार्थना करें हे गोविंद हे गोपाल हे मुरारी आप हमें इस भव बंधन से मुक्त करिए चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे 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 नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे डूबन लगे कृष्ण को पुकारे नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे 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 जय हो द्वारिका में शब्द गयो सुर भयो भारे द्वारिका में शब्द गयो सुर भयो भारे द्वारिका में शब्द गयो सुर भयो भारे द्वारिका में शब्द गयो सुर भयो भारे
करते हैं। जैसे ही गजेंद्र मरते मरते भगवान को याद किया, भगवान का नाम लिया, माता जी फिर आप सो गए। माता जी को पानी पिलाओ। द्वारिका में सुप्त भयो, द्वारिका में शब्द गयो सोर भयो भारे, द्वारिका में शब्द गयो सोर भयो भारे, द्वारिका में शब्द गयो सोर भयो भारे, द्वारिका में शब्द गयो सोर भयो भारे। जैसे ही गजेंद्र ने मरते मरते भगवान को याद किया, भगवान का नाम लिया, हे कृष्ण हे गोविंद। संसार में कई लोगों के मन में प्रश्न होता है, हम भगवान को याद करते क्या भगवान तक हमारी आवाज पहुंचती है? हम यहां पृथ्वी पर बैठे बैठे भगवान का नाम लेते हैं, क्या भगवान हमारे नाम को सुनते होंगे? बोले गजेंद्र ने एक बार नाम लिया, भगवान का नाम अंतरिक्ष को भेद कर द्वारिका में चला गया, और जैसे ही द्वारिका में चला गया, जैसे ही गजेंद्र जी को यह स्वर भगवान के कानों में गया, गजेंद्र का द्वारा लिया गया नाम जैसे ही कृष्ण के कान में गया, कहते हैं संख चक्र गदा पद्म गदा सीधारे, संख चक्र गदा पद्म सीधारे, चक्र गदा पद्म गरुड़ लिए सीधारे, संख चक्र गदा पद्म सीधारे, संख चक्र गदा पद्म ये सीधारे, संख चक्र गदा पद्म सीधारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, 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 गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। जैसे ही गजेंद्र ने भगवान का नाम लिया, वह भगवान का नाम जन लोक तप लोक मर लोक ब्रह्म लोक को भेद कर वैकुंठ लोक में चला गया। वैकुंठ लोक में भगवान का नाम चला गया, और वैकुंठ में भगवान के कान में जैसे ही शब्द गए, भगवान के आंखों अंग फड़कने लगे, कृष्ण अपने स्थान पर खड़े होकर तोड़ने लगे। द्वारका सत्यभामा इत्यादि भगवान, रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि भगवान की सेवा कर रही थी, भगवान बिना बोले उनकी सेवा को छोड़कर तोड़ते। रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि पूछने लगे, प्रभु कहां जा रहे हो? लेकिन आज भगवान के पास इतना भी समय नहीं है अपने भक्त की रक्षा करने के, रक्षा के लिए इतने व्याकुल हैं कि इतना भी समय नहीं कि अपनी पत्नी को जवाब दे सके, दौड़ने लगे। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, मेरे पीठ पर बैठ जाइए, मैं तुरंत पहुंचा दूंगा। भगवान ने कहा, गरुड़ गरुड़ आज तेरी गति मुझे धीमी लग रही है, आज तेरी गति मुझे धीमी लग रही है। भगवान आकाश में कूद गए और सुदर्शन को आदेश दे दिया, और उस मगरमच्छ के ऊपर मार दिए, और उस उसके दो दो टुकड़े कर दिए, और गजेंद्र की रक्षा कर ली। बोलिए श्री हरि भगवान की जय, श्री हरि भगवान की जय। तो इस प्रकार बहुत सुंदर गजेंद्र ने भगवान को याद किया, तुरंत भगवान आए, और श्री हरि भगवान विष्णु ने आकर सुदर्शन के द्वारा उस मगरमच्छ के मस्तक को काट दिया। तुरंत वह मगरमच्छ गंधर्व रूप धारण करके भगवान के धाम चला गया। ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? जैसे ही भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रहार किया, वह मगरमच्छ गंधर्व रूप लेकर के तुरंत भगवान के धाम चला गया, और उसके बाद गजेंद्र फिर से भगवान की 8-10 घंटे स्तुति की, बहुत सुंदर स्तुति की है, बहुत सुंदर स्तुति की है, और
जब ये 8-10 घंटे की स्तुति समाप्त हुई तो उसके बाद गरुड़ जी पर बिठा करके भगवान गजेंद्र को ले गए। बहुत सुंदर स्तुति भक्तों। अभी हम लोग इसके ऊपर ऑनलाइन कथा कर रहे हैं डेली, और लगभग 60-70 दिन तो हो गया लेकिन ये स्तुति खत्म नहीं हुई, अभी आधी हम लोग नहीं कंप्लीट कर पाए। बहुत दिव्य स्तुति है, बहुत स्तुति का भाव बहुत उच्च है ना, आप लोग भी सुनिएगा कभी, बहुत सुंदर स्तुति है। घर पे इसको हमारे चैनल पे सारे स्तुति उपलब्ध है, आप लोग सुन सकते हैं। अब आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं, प्रश्न व्यक्ति ये है, प्रश्न यह है कि भाई भगवान को बुलाने वाला कौन? गजेंद्र। भगवान को, भगवान की स्तुति करने वाला गजेंद्र, याद करने वाला गजेंद्र, लेकिन जब भगवान आए तो सबसे पहले उसने किसका उद्धार किया? मगरमच्छ का। ऐसा क्यों बताइए? नहीं, उद्धार उसका पहले हुआ, बाद में गजेंद्र को लेकर के गया, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मानो परिचित महाराज पूछते कि गजेंद्र को पहले भगवान धाम की, भगवान की धाम प्राप्ति होनी चाहिए, मगरमच्छ को बाद में। तब सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं कि इस संसार में जो भगवान का शरण ग्रहण करता है ना, उससे पहले जो भगवान के भक्तों के शरण ग्रहण करते हैं ना, उसका उद्धार हो जाता है। गजेंद्र बहुत बड़ा भक्त था और मगरमच्छ ने क्या किया? उनके चरण को पकड़ के रखा, तो भगवान ने उसका उद्धार करा। सुखदेव जी गोस्वामी महाराज कहते हैं कि पूर्व जन्म में यह गजेंद्र इंद्रदुम्न नामक राजा था, और बहुत सुंदर वो तपस्या किया करता था। एक दिन वहां पे एक ऋषि आए और यह गजेंद्र खड़ा नहीं हो पाया। ऋषि को क्रोध लग गया और क्रोध लगने से इसको खराब श्राप दे दिया कि भाई ये मैत्रेय ऋषि थे, मुझे याद नहीं आ रहा मैत्रेय ऋषि थे या फिर दुर्वासा, दुर्वासा जी तो नहीं थे, तो उन्होंने एक्चुअली उन्होंने शायद मैत्रेय ऋषि थे, उन्होंने इनके ऊपर बड़ी सुंदर कृपा की। क्या कृपा की? उन्होंने देखा कि गजे ये जो इंद्रद्युम्न है बहुत सुंदर भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन इतनी भक्ति करने पर भी इनको बहुत जन्म लेना पड़ेगा भगवान की प्राप्ति करने के लिए, बहुत पुरानी बात है। तो उस समय उन्होंने क्या किया, इनको श्राप दे दिया जिससे जल्दी इनका उद्धार हो जाए। और जो ग्रह था पूर्व जन्म में वह गंधर्व था। तो एक दिन देवल ऋषि एक सरोवर में स्नान कर रहे थे, इसी सरोवर में जहां पे ये ग्रह छिपा हुआ था, तो स्नान कर रहे थे तो ये गंधर्व क्या किया, चुपके से आकर के देवल ऋषि के पांव को पकड़ लिए। देवल ऋषि को लगा कि मगरमच्छ आके पकड़ लिया, उठा करके देखा तो बोले गंधर्व, बोले गंधर्व हो करके मगरमच्छ जैसा व्यवहार करता है, जा मगरमच्छ हो जा, मगरमच्छ हो गए। तो बहुत ही रोने लगा, महाराज हम तो आपको हंसाने का प्रयास कर रहे थे, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। बोले ठीक है ठीक है करता हूं। और उस समय उन्होंने उनको वरदान दिया कि चाक्षुष मनोन्तर में भगवान हरि के रूप में आएंगे, और गजेंद्र जब इस सरोवर इस तालाब में आए तो तुम क्या करना, उनके पांव को पकड़ लेना, छोड़ना मत, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हुआ, गजेंद्र चक्षुष मनवंतर में इस तालाब में स्नान करने के लिए आए, भगवान इनका इन्होंने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया और भगवान ने इनका उद्धार कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान का 21वां अवतार। अब अगले अवतार के विषय में बताते हुए सुखदेव जी को स्वामी कहते हैं
भगवान का 22वां अवतार हुआ हंस के रूप में, बहुत सुंदर स्वर्णमय हंस। एक दिन की बात, ब्रह्मा जी के प्रथम चार पुत्र शनक सनकादिक है ना, सनकादिक चतुष कुमार ब्रह्मा जी को कहने लगे कि पिताजी, इस संसार में देखा गया है कि हमारा चित्त विषयों में फंसा रहता है, मन भोगों में फंसा रहता है, और विषय हमारे चित्त में आ गए हैं तो विषय में फंसे हुए चित्त को और चित्त में फंसे हुए आत्मा का उद्धार कैसे होगा, कैसे मुक्त किया जाए? संसार की भोग भोगने की वृत्ति जब है तो फिर ऐसी वृत्ति के साथ भजन भक्ति कैसे किया जाए? जब ऐसा प्रश्न पूछा गया तो ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए, उत्तर नहीं दे पाए। उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया और भगवान ने बहुत सुंदर एक हंस का अवतार धारण किया। हंस भगवान की जय, दिव्य हंस बनकर के आए और सनकादिकों ने पूछा, आप कौन हो? Who are you? कौन हो आप बताओ। जब भगवान को पूछा कि आप कौन हो, तब उस समय बहुत सुंदर बात भगवान ने बताई, बोले पंच महाभूत के बने हुए इस देह में आत्मा को तुम पूछ रहे हो कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, यह प्रश्न संगत नहीं है, क्योंकि संसार में पंच महाभूत के बीच में केवल आत्मा है, फिर वह मनुष्य के शरीर में हो अथवा हाथी के शरीर में हो या कुत्ते के शरीर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक संत साधु सभी जीवों में हृदय में परमात्मा का दर्शन करता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, विद्या विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवहस्तिनी सुनीचे न सौपाकी च पंडितः संदर्शन। जो पंडित है, जो साधु है, वह सभी जीवों में परमात्मा का दर्शन करता है। वासुदेवम सर्वम इति, सबको समान रूप से देखता है। तो हमारे जीवन में जो यह धारणा हो चुकी है ना, यह शूद्र है, यह चंडाल है, हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम वैष्णव हैं, यह सब शुद्ध बुद्धि नहीं है। शुद्ध बुद्धि यह है कि हम सब लोग क्या हैं? आत्मा हैं। सब लोग परमात्मा के अंश हैं, और अगर यह परमात्मा का अंश परमात्मा की सेवा करता है ना, तो सबसे बड़ा जीव है, उसको प्रणाम करना चाहिए, उसको आदर देना चाहिए। भगवान ने कहा कि आप आत्मा को पूछ रहे हो कि कौन हो, तुम जिस प्रश्न का उत्तर चाहते हो उसका उत्तर यह है कि संसार में सब लोग इंद्रियों के भोगों में फंसे हुए हैं, नशे में, व्यसन में सब लोग चूर हैं। इसका कारण क्या है? कारण संसार के लोग इन भौतिक विषयों का चिंतन करते हैं। सबसे पहले चिंतन होता है संसार में, जब भी कुछ गलत होता है तो सबसे पहले हमारे मन में आता है। जानते हैं यह कैसे कर्म करता है, मन में कैसे आता है? दो द्वार है, कौन से? आंख और एक कान। कोई भी चीज हमारे मस्तिष्क में कहां से आता है? आंख और नहीं करिए, कथा अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को, कथा नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो मुंह बंद करके चल जा सकते हैं आप, आवाज नहीं करिएगा कृपया। तो उस समय कैसे हमारे कोई कर्म कैसे करते हैं हम, जब हम आंखों से अथवा कानों से उन विषयों के पीछे सुनते हैं ना, तभी वह हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करता है। द्वार आंख और कान, हम देखते हैं कि अरे ये फोन बहुत अच्छा आया है मार्केट में, आंख से देखते हैं, वो मस्तिष्क में जाता है और फिर मस्तिष्क एक्टिवेट कर देता है कि बेटा अब तुझे ये फोन लेना है, अब तुझे ये फोन लेना है। मैंने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा, अब मुझे उस लड़की से विवाह करना है। अब अगर बुद्धि रही, बुद्धि में विवेक रहेगा तो बोलेगा विवाह तो कर लूंगा लेकिन खिलाऊंगा क्या, तो फिर वहां से डिसीजन को वो हाँ या ना में बदल लेता है। लेकिन अगर बुद्धि नहीं रहा, विवेक नहीं रहा, तब तो वो पागल हो जाएगा।
शराब के विषय में सुना, शराब में बहुत सुंदर नशा होता है, खाने के बाद आदमी तो एकदम आकाश में चला जाता है। बुद्धि होगा, विवेक रहेगा तो वो वहां पे रोकेगा, ब्रेक लगाएगा, लेकिन विवेक नहीं रहेगा तो नहीं। आप लोगों में से कितने लोगों को नहीं पता है कि खैनी हमारे लिए हानिकारक है? कितने लोगों को नहीं पता है बताइए? कितने लोगों को नहीं पता है कि खैनी हानिकारक है? सब लोग जानते हैं। और कितने लोग खैनी नहीं खाते? थोड़ा हाथ उठाइए तो। नहीं खाने वाले, खाने वाले नहीं उठाइएगा। अरे माता जी लोग भी खैनी खाती है क्या? तो नहीं खाते तो हाथ उठाओ ना। जो नहीं खाते उनको हाथ उठाना है। कौन कौन लोग नहीं खाते? कुछ माता जी लोग खाती हैं। अरे तो जो लोग खाते हैं क्या उन्हें नहीं पता कि खैनी हानिकारक है? बुद्धि विवेक नहीं है। क्या नहीं है? विवेक नहीं है। वह जान रहा है कि खैनी खाना खराब है, लेकिन फिर भी वह उसके पास बुद्धि नहीं होने के कारण, विवेक नहीं होने के कारण खैनी को डिनाई नहीं कर पा रहा है। नहीं खाऊंगा 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 खाऊंगा, समझ रहे हैं? बुद्धि की कमी से जब भी हम किसी चीज को झुकते ना तो तुरंत बुद्धि के पास संदेश जाता है। बुद्धि बताओ क्या करूं, इस क्रिया को करूं या नहीं करूं, खैनी खाऊं या नहीं खाऊं, उस लड़की से बात करूं या नहीं करूं, वो फोन खरीदूं या नहीं करूं, वो कैसा है, उस चीज को खरीदूं या नहीं खरीदूं। तब बुद्धि अगर स्ट्रांग है तब तो वह एक सुंदर सा डिसीजन दे देगा कि नहीं ये कार्य मत करो, ये कार्य गलत है, इसे तुम्हारा पतन हो जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि स्ट्रांग नहीं है तो जो मन करेगा वही करूंगा। हम तो अपने मन के मालिक हैं, मन के मालिक नहीं है। मन के इशारे से तू नाच रहा है बेटा, तू नाच रहा है मन के इशारे से, ध्यान रखना चाहिए, मन के इशारे से तू नाच रहा है। यदि हमारी बुद्धि स्ट्रांग है तो बुद्धि निर्णय देगी, हम मन को रोक पाएंगे। क्योंकि मन के लगे थोड़ा देखिए, ये बच्चे बहुत हल्ला करते हैं यहाँ पे, उधर देखिए किशन प्रभु कौन है, बच्चे लोग देखिए थोड़ा, ये गली में, गांव के कुछ लोग ये गली में रहिए थोड़ा, बहुत उन लोगों को पकड़ो पकड़े बिठा दीजिए कथा पंडाल में। तो यदि हमारी बुद्धि स्ट्रांग है, मन में इच्छा हुई तो हम उसे रोक पाएंगे। लेकिन संसार में तमोगुणी वस्तु खाने से हमारी बुद्धि आज क्या हुई है, तमोगुणी हो गई है। अतः मन गलत इच्छा से, जितनी भी गलत इच्छाएं उत्पन्न होती है ना, तुरंत हमें करने की इच्छा करती है। तो यह सारी दुर्घटना कहाँ से शुरू होती है? मन से, गलत विषय का चिंतन करने से। भक्तों, मन के विषय में शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधनम मोक्षयो। मन ही मनुष्य को, मनुष्य के लिए बंधन है और वही मोक्ष का कारण भी है। क्षमा चाहूंगा आपको, हमने एक गलत इन्फॉर्मेशन दी कि मैत्रेय ऋषि ने इंद्रद्युम्न को श्राप दिया था। मैत्रेय ऋषि ने नहीं, अगस्त ऋषि ने दिया था। किन्होंने दिया था? क्षमा चाह, गलत गलत चीज नहीं जानना चाहिए, और अगर पता चल जाए तो उसे तुरंत स्वीकार करते हुए सत्य बात जो है सो बता देना चाहिए। अगस्त ऋषि ने इंद्रद्युम्न को श्राप दिया था, जिसके बाद वो क्या बन गए? गजेंद्र हाथी। ठीक है, तो कितना भी धीर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर बुद्धि सही नहीं तो वो कुछ भी कर सकता है। आज क्या स्थिति हो गई है? हम दिन भर गलत चीज सब कुछ देखते रहते हैं, फिल्मों में, डीजे वाले गाने में, ना जाने कितने कितने गंदे भद्दे गाने बजाते रहते हैं। और कितना भी धीर व्यक्ति हो, जब वह टीवी में देखता है कि किस प्रकार से आज नंगा नाच हो रहा है, किस प्रकार से पर स्त्री पर पुरुष संग हो रहा है, तो कितना भी धीर व्यक्ति क्यों ना हो, मन में काम का वेग मस्तिष्क पर चढ़ जाता है। और जब काम का वेग मस्तिष्क पर चढ़ जाता है ना भक्तों, तो जैसे समुद्र में तैरते हुए नाव को तूफान उखाड़ करके मोड़ मरोड़ के फेंक देती है ना, वैसे यह काम की इच्छा वेग हमारी बुद्धि को उड़ा करके फेंक देती है।
कहते कामातुर आणाम ना भय ना लज्जा। जब काम की इच्छा मन में होती है ना तो ना भय होता है ना लज्जा होता है। इसलिए मन में उठ रही इच्छाओं को बंद करने के लिए पहला मार्ग यह है कि इनका रास्ता बंद करो। रास्ता क्या है? आंख और कान। तो सबसे पहले सुनना बंद कर दो इन गंदे गंदे गानों को। क्या सुनो? भगवान की दिव्य कथा। आज आप लोग भगवत गीता ले रहे हैं, भगवत गीता लीजिए। और हमने हमारे चैनल पे वीडियो रखे हुए हैं, एक एक श्लोक पर पूरा का पूरा एक घंटे का प्रवचन, उसको सुनिए आप लोग। एक एक घंटा डेली सुनेंगे तो कितना समय लगेगा? 365 दिन में 365 श्लोक सुन पाएंगे। डेली सुनिए, आप अनुभव करेंगे कि हमारा मन शुद्ध होते जा रहा है। गलत चीजें देखना बंद कर दो। क्या देखो? भगवान का दर्शन करो। क्या देखो? भगवान की कथाओं का दर्शन करो, भागवत पढ़ो, भगवान के भक्तों का दर्शन करो। अच्छी चीजों को सुनो, सुनो भगवत कथा, सुनो गीता, सुनो भगवान का नाम, सुनो। आपके मन में होगा कि प्रभु जी ठीक है, चलो आज से हम, चलो गलती हो गई, अब नहीं सुनेंगे। लेकिन आज तक जो गलती हो चुकी है, गलत चीज का प्रभाव हो चुका है, उसका क्या करें? तो मन में जो गलत संस्कार हो चुके हैं ना, वो इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के कई जन्मों के संस्कार हमारे मन में, उस गलत संस्कार को खत्म करने के लिए भगवान हंस अवतार धारण करके कहते हैं कि मेरा चिंतन करो। क्या करो? मेरा चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो। मन मन की सारी गलत संस्कार हट जाते। यही बात पितामह भीष्म ने भी कहा ना। क्या क्या बहुत सुंदर। अब जानते हैं पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे थे और लेटे हुए, अरे काहे के लिए भगवान को रख दो उनके नीचे, भक्तो। पितामह भीष्म जब सरसैया पर लेटे थे तो कहते हैं उस समय बहुत सुंदर पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति की, बहुत सुंदर स्तुति की। और स्तुति करते हुए कहे, आप जानते हैं, आपको पता है या नहीं पता, भीष्म पितामह बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं और मन के विषय में कहते हैं क्या कि प्रभु मानो भगवान सामने खड़े हैं और भगवान सामने खड़े हैं और भगवान को प्रथम स्तुति करते हुए कहते हैं क्या, इति मति रूप कल पिता वित्रिष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूमनी, इति मति रूप कल पिता वित्रिष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूमनी, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि, इति मति रूप कल्पते वित्रिष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतु प्रकृति मुपेयुषिया तव प्रवाह, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतु प्रकृति मुपेयुषिया तव प्रवाह, इति मति रूप कल्पिता वित्रिष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि, इति मति रूप कल्पते वित्रिष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे
कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण मैं आज मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे मन में एक चिंता है। बोले क्या चिंता है? क्या चिंता है? तब पितामह भीष्म कहते हैं, मेरी एक कन्या है। सब लोग तो अभाग रहे, बोले रे पितामह भीष्म की कन्या, ये तो अखंड ब्रह्मचारी। बोले हाँ। बोले मेरी मति ही मेरी कन्या है, मेरा मन ही मेरी कन्या है, और कृष्ण ये मन मेरा, ये मति मेरी कुंवारी है, आज तक कहीं नहीं लगाया, लेकिन कृष्ण मरने से पहले मैं चाहता हूं कि मेरा मन रूपी कन्या, मेरी मति रूपी कन्या आपके चरणों में लग जाए। मरने से पहले अपनी कन्या को आपके चरणों में सौंपना चाहिए। कृष्ण ने कहा, आप अपनी कन्या के साथ मेरा विवाह कराना चाहते हो, लेकिन मेरे विषय में जानते हो? पितामह भीष्म ने कहा, जानता हूं आप भगवान हो, आप इस सृष्टि में आए हो, और जब आप आए तो इस पृथ्वी का प्रवाह चालू हो गया। बोले अच्छा, मेरे विषय में जान भी ली? जब ऐसा भगवान ने पूछा कि आप जान लो, बोले हमारे भगवान तो बोलने में बड़े चतुर है ना, एक तो जल्दी से किसी के हाथ में आते नहीं है, और आ जाते हैं तो छोड़ते नहीं है। पितामह भीष्म को कहते हैं, अच्छा एक बात बताइए, आप तो मुझे पसंद करते हो, आप तो ससुर जी बनेंगे, लेकिन आपकी कन्या मुझे पसंद करती है, मुझे मैं पसंद आना चाहिए। जब भगवान ने ऐसा पूछा तो पितामह भीष्म कृष्ण की इस दुनिया में बहुत सुंदर कृष्ण, इस दुनिया में आपको कौन प्राप्त नहीं करना चाहता? तीनों लोगों में, तीनों भुवनों में रहने वाले सब लोग आपको प्राप्त करना चाहते हैं कृष्ण, सब लोग। त्रिभुवन कमनम कमाल वरणम रवि कर गौर बराबर तथाने, जय सके रति रास्तु में अवद्या, पुरलक कुला प्रीतान नाम जम, जय सके रति रास्तु में अवद्या। भुवन कमलम तमाल वरणम, त्रिभुवन कमलम तमाल वरणम रवि कर बहुत सुंदर। अभी अभी ना आप लोग अगर सामान लेकर के आ रहे हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, ठीक है उधर ही रखिए उसको, अभी अपने पास ही रखिए, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है? तो उधर मधु माता जी थी ना, अभी कहाँ गई? और नहीं तो स्टॉल पे दीजिए, वो प्रभु जी लोग वहां बैठे हैं ना, प्रभु हरि बोल। जो भी प्रसाद ऑफरिंग के लिए लेके आ रहे हैं पूरी डोबा दे रहे, वहीं पे रखो। तो बहुत सुंदर कहते हैं कि प्रभु आपका इतना सुंदर स्वरूप कौन पसंद नहीं करता, फिर हम लोगों को दिखता ही नहीं वो स्वरूप, हमें भी दिखेगा भक्तों, बस करना क्या है, कृष्ण में अपने मन को लगाना है। भगवान ने गीता में बार बार कहा, मन मना भवा मत भक्तो मद्याजि मा नमस्कुरु मामेश युक्तेव मम आत्मनम मत परायण, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरा अपना मन मुझ में लगाओ। और ध्यान रखिए भक्तों, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो कहते हैं ना कि हम भगवान में अपना मन लगाए, बस भगवान में मन लगाए, कार्य करो। भगवान कहते हैं कार्य करो, ऐसा नहीं है माता जी उठ जाओ हरि बोल, देखो आपके बगल में सोइए माता जी, उठाओ लोग ताली ही नहीं बजाते इसलिए नींद आती है।
देखिए ये कोई साधारण कथा नहीं है। और मेरी इच्छा बस इतनी ही है कि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति भगवत धाम जाए, कोई भी व्यक्ति यहाँ छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हर एक व्यक्ति के ऊपर मैं ध्यान रखता हूँ, ठीक है। कोई भी व्यक्ति छूट नहीं जाए, भगवान सबको लेकर के जाए। तो भगवान ने कहा कि भाई मेरा स्मरण करते हुए कार्य करो। भगवान ने यही कहा अर्जुन को कि करो युद्ध करो, लेकिन माम अनुस्मरे युद्धे च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। यदि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करोगे ना, तो जो कर्म बंधन है उससे तुम मुक्त हो जाओगे, तुम युद्ध में विजय हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। घर का कार्य करना है, ऑफिस का कार्य करना है, करिए, लेकिन अपने जीवन से कुछ क्षण निकाल करके भगवान का चिंतन करिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए। और जब हम कार्य के साथ भगवान का नाम करते हैं ना, तो कार्य बड़ा आसानी से हो जाता है। इसलिए भारत के संतों ने कहा ना, सीताराम 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 कहिए, जय बिधि राखे राम तही बिधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय बिधि राखे राम वही बिधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय बिधि राखे राम तही बिधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय बिधि राखे राम वही बिधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जय बिधि राखे राम तही बिधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जय बिधि राखे राम वही बिधि रही। ताली बजाते हुए तो राम सीताराम में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम सेरा साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जय विधि राखे राम तही विधि रहिए। विधि का विधान सीताराम 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 कहिए, कहि बिधि राखे राम तही बिधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहि बिधि राखे राम वही बिधि रहिए। जहि बिधि राखे राम तही बिधि रहिए। इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हुए नाम लेते हुए हमें क्या करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। तत्पश्चात वेद व्यास जी भगवान के 23वें अवतार का वर्णन करते हैं। ततो काले सम प्रवृत्ति सम्मोहाय सुरदविषां, बुद्धो नाम नांजन सूत किकटेषु भविष्यति। कलयुग में होने वाले भगवान के अवतार के विषय में भविष्यवाणी कर रहे हैं, बता रहे हैं। ततो कलो संप्रवृत्ति, ततो कलो संप्रवृत्ति। कलयुग के प्रारंभ होने होने पर सम्मोहाय असुर दविषां, देवताओं के द्रोही असुरों और देवताओं के द्रोही असुरों और आसुरी तत्व को प्राप्त हुए मनुष्यों को मोहित करने के लिए बुद्धो नामना बुद्ध नाम का अवतार हुआ। कहां पर? तो कहते हैं किकटेशु भविष्यति, भविष्य में मगध देश में अजन के पुत्र के रूप में भगवान का अवतार होगा, भविष्यवाणी कर रहे वेद व्यास।
हुआ नहीं होगा लेकिन पहले इससे यह सिद्ध होता है भक्तों कि भगवान के जितने भी अवतार हैं उनका वर्णन शास्त्रों में है। भगवान का अवतार का वर्णन किया गया है। अतः कलयुग में जो अपने आप को भगवान कहते हैं ना उनसे पूछो कहाँ लिखा है आपके विषय में अब फलाना साईं बाबा भगवान है कहाँ लिखा हुआ है, फलाना बापू भगवान है कहाँ लिखा हुआ है, फलाना चाचा कहाँ लिखा हुआ है भगवान है, फलाना काका माई पापा पापी भगवान है कहाँ लिखा हुआ, दिखा दो। पूछना चाहिए उससे तब वो बोलेंगे कि मेरे शास्त्र में तो लिखा हुआ है। शास्त्र भी हमारा और तुम्हारा होता है, शास्त्र तो वह है जो वेद व्यास जी ने लिखा है। तो और अगर नहीं लिखा है तुम्हारे विषय में तो क्यों कह रहे हो अपने आप को भगवान, पाखंडी कहीं का उसको भगा देना चाहिए। तो भगवान बुद्ध आसुरी तत्वों को प्राप्त मनुष्यों को मोहित करने के लिए इस सृष्टि पे अवतरित हुए। बोले उस समय बहुत घोर स्थिति हो चुकी थी जिसमें भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। इस भूमि की स्थिति बहुत विपरीत थी। इस संसार में कई लोग वेदों का सहारा लेकर के पशुओं का हिंसा करते थे, गायों की हत्या करते थे और कलयुग में भी पशुओं की नर बलि दे करके यज्ञ करके भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। उस समय अनेक अच्छे लोगों ने समझाया कि भाई आप ऐसा कार्य मत करो, ऐसा कार्य मत करो। तब ऐसे कर्म करने वाले लोग कहते थे वेदों में लिखा है इसलिए हम कर रहे हैं। भक्तों वेदों में जो है ना श्लोक एक सूत्र के रूप में है, उस सूत्र को अपनी बुद्धि के अनुसार से हम ढाल सकते हैं। जैसे कोई मुझे एक ग्लास पानी दे रहा है, अब आधा ही भरा और मैं कह दिया बस, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब बताइए, मतलब रुक जाइए। अब फिर कोई पानी दे रहा और कहा वो रुक गया, मैं कहा बस, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ और चाहिए। एक ही शब्द का दो अर्थ भाव के अनुसार। तो इसी प्रकार से श्लोक मंत्र है, है ना, लेकिन उसके अर्थ को क्या करना पड़ेगा, हमें समझना होगा तब जा करके हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम देखें। तो ये अवतार धारण करके भगवान ने बिल्कुल उल्टा उपदेश दिया। उस समय भगवान ने कहा देखो ये वेद गलत है। क्या कह दिया भगवान ने कि यह वेद गलत है, छोड़ दो मत पढ़ो वेद, तुरंत भगवान ने कह दिया। बिल्कुल उल्टा उपदेश दे दिया। उस समय भगवान ने कह दिया वेद गलत है क्योंकि वेदों का सहारा लेकर के गलत कार्य कर रहे थे लोग। अतः भगवान अत्यंतिक निर्णय ले लिया और कह दिया कि वेद गलत है, वेदों को मत मानो या हिंसा करना बंद कर दो। और फिर उन्होंने क्या किया, हिंसा करना कुछ समय के लिए बंद कर दिया। धीरे धीरे करके सम्राट अशोक बड़े बड़े लोग भक्ति मार्ग को दिखाए और हिंसा होना बंद हो गया। परंतु जैसे ही बुद्ध भगवान चले गए यह सब संसार में अल्प बुद्धि वाले लोग फिर से वही कार्य करना शुरू कर दिए। भगवान ने कहा कि वेद गलत है इसलिए हम लोग वेद को नहीं पढ़ेंगे। आज कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि वेद गलत है इसलिए हम लोग वेद को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा भक्तों कि भगवान का उस समय का उपदेश विशेष काल विशेष परिस्थिति और विशेष जीवों के लिए था, सबके लिए नहीं था। उसको हमें समझना पड़ेगा, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, समझना पड़ेगा। आज भी संसार के अनेक बौद्धिष्ट हैं जो वेदों को बहिष्कार करते हैं और जिन वेदों में हम सुखमय जीवन बिता सकते हैं, जिनको पढ़ करके मृत्यु के बाद भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसे वेदों को पढ़ते नहीं है। भगवान बुद्ध जो है भगवान के अवतार हैं, लेकिन उन्होंने जो उपदेश दिया वह एक विशेष काल विशेष पात्र विशेष देश विशेष जीवों के लिए था। हमें उन उपदेशों को नहीं स्वीकारना है। हमें भगवान ने जो गीता में उपदेश दिया भागवत में जो उपदेश दिया हमें वह स्वीकारना है। तो इस प्रकार भागवत में सुखदेव जी गोस्वामी महाराज 22वें अवतार का वर्णन गौतम बुद्ध के रूप में करते हैं। गौतम बुद्ध भगवान की
23वां अवतार। अब अंतिम 24वें अवतार का वर्णन करते हुए भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं, यथाशो युग संध्यायां दश्यो प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर्जगत्पति। 24वें अवतार के रूप में वेद व्यास जी कहते हैं, कलयुग के समाप्ति होने पर और सतयुग के प्रारंभ में, कलयुग और सतयुग के संधि के समय प्रायेषु राजेषु, प्रायः समस्त राजा चोर और लुटेरे की तरह हो जाएंगे। कलयुग में बहुत सारा पाखंड होने लगेगा, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति हो जाएगी कि एक भाई दूसरे भाई को मार करके काट करके खा जाएगा। और उस समय भगवान श्री विष्णु कल्कि अवतार धारण करेंगे और दिव्य घोड़े पर सवार होकर के इन सभी राजा महाराजाओं का क्या करेंगे, बद्ध कर देंगे, बद्ध कर देंगे। तो अवतार धारण करेंगे और दिव्य घोड़े पर सवार होकर के दिव्य तलवार हाथ में लेकर के कहते हैं, विष्णु यशा नाम ब्राह्मण के घर पे इनका अवतार होगा और कलयुग में जितने भी पाखंडी राजा होंगे उन राजाओं का वध करेंगे। तो इस प्रकार भगवान का 24वां अवतार किन के रूप में, कल्कि के। तो आपने कितने अवतार की कथा सुनी, कितना, 24 तो सुनाया, चौबीस अवतार तो सुना दिया, अभी कृष्ण अवतार तो बाकी है। कृष्ण का अवतार नहीं होता, कृष्ण का अवतार नहीं होता है। 24 अवतार की कथा गिनाने के बाद सुखदेव जी कहते हैं, ये ते चंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियादि व्याकुलम लोकम विड़यन्ति युगे युगे। ये सब क्या है, भगवान के अवतार हैं, ये सब अवतार हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान है। गोलोक वृंदावन बिहारी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर स्मृति। हम लोग अब भगवान कृष्ण के दिव्य जन्म संस्कार पर, तो 24 अवतार की कथा है, हम लोग 24 अवतार की कथा यहां सुन रहे हैं, ध्यान देना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि अंतिम में सुखदेव जी कहते हैं कि भाई कृष्ण
अवतार नहीं अवतारी हैं। महाराज परीक्षित जिनके जीवन में 7 दिन बचे हुए हैं, लगातार भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और इस प्रकार से कथा श्रवण करते 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 उनके जीवन के चार दिन चार रात बीत गए, समझ जाऊंगा 3 दिन 3 रात बीत गए। बोले हे प्रभु, सुखदेव गोस्वामी से निवेदन करते हैं, हे परम भक्त चूड़ामणि सुखदेव जी गोस्वामी महाराज, प्रभु मेरे इन दिनों में आपने बहुत सुंदर सौम्यवंश और सूर्यवंश में वर्णित राजा महाराजाओं की कथा सुनाई, प्रभु मुझे बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन अब मेरे जीवन में बहुत कम दिन बचे हुए हैं, बहुत ही कम दिन बचे हुए महाराज, और मैं चाहता हूं कि इन दिनों में मुझे आप महात्मा धर्मात्मा यदु महाराज के वंश में जन्म लेने वाले भगवान कृष्ण की कथा सुनाएंगे। इधर सुखदेव जी गोस्वामी ऐलान करते हैं, वेद व्यास ऋषि अपना कलम चला रहे हैं, क्या कहते हैं, एको न विंश विंस्ति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मणि राम कृष्णा वितो भूव भगवान हर धर्म। 19वें तथा 20वें रूप में भगवान स्वयं इस धराधाम पे 19वें अवतार के रूप में बलराम जी और 20वें अवतार 20वें भगवान श्री कृष्ण। हे सुखदेव जी गोस्वामी महाराज, अब मैं मरने वाला हूं और मरने से पहले मुझे आप कृष्ण कथा सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण कथा प्रारंभ करते हैं, भूमि दृप्तनृप्याज दैत्यानिक सत्यायुते अक्रांत भूरी भारेण ब्रह्माणं शरणं ययो। परिचित ये द्वापर युग की बात है, कब की बात है, द्वापर युग की बात है। उस समय क्षत्रिय राजा महाराजा आसुरी वृत्ति को प्राप्त हुए, वैसे क्षत्रिय थे लेकिन बुरी संगति के कारण वे असुर बन गए, बुरी संगति के कारण असुर बन गए। भक्तों, जीवन का आधार और संस्कार संघ के ऊपर होता है। देखा जाता है कि कितनों ही अच्छा संस्कार है, अगर संघ खराब है तो जीवन अधोगति की ओर चला जाता है। अगर एसोसिएशन, हम किनके साथ उठते बैठते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, अगर उनके साथ हमारी संगति अच्छी नहीं है तो जीवन अधोगति की ओर चला जाता है। भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि हे महाप्रभु बताइए वैष्णव आचरण कैसा होना चाहिए। तब चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले यही कहा, असत संग त्यागो, यही वैष्णव आचार, बुरी संगति को त्यागना यही वैष्णव आचार है। तो भक्तों, द्वापर युग के प्रारंभ में अनेक राजा महाराजा आसुरी वृत्ति को प्राप्त हुए और वे लोग लगभग असुर जैसे बन गए। साधुओं की साधना बंद कराई, ऋषि मुनियों की यज्ञ की अग्नि बंद करा दी, भक्तों की भक्ति बंद करा दी, और गायों को सताने लगे, तड़पाने लगे, मारने लगे,
बहुत सारे गलत गलत कार्य करने लगे, बहुत ही सारे गलत गलत कार्य करने लगे, अनेक प्रकार की हिंसा करने लगे, बकरे को काटने लगे, गायों को मारने लगे, अनेक प्रकार का जीव हिंसा। भक्तों, ये पशुओं को मारना काटना ये मनुष्यों का कार्य नहीं है। सारे राजा महाराजा उस समय तमोगुणी बन गए, आसुरी वृत्ति के हो गए, और उन राजाओं के पाखंड से इस पृथ्वी पर पाप होने लगा, और उस पाप से पृथ्वी भारी हो गई। भक्तों, इस पृथ्वी पर बहुत सारे भार हैं, लेकिन पृथ्वी को किसी का भार नहीं लगता। पृथ्वी को एक ही चीज का भार लगता है, किस चीज का? पाप। तो उस समय कहते हैं, देवी पृथ्वी प्रणम ब्रह्मणम शरणम आयो, ब्रह्मा जी के शरण में गई। लेकिन कैसे गई? तो कहते हैं, गो भूत्वा अश्रुमुखी खिन्न कर्दंती करुणम विभु उपस्थितान्तिके तस्मै व्यश्नम समोवचत। उस समय देवी पृथ्वी गो भूत्वा आंखों में अश्रु भर करके पृथ्वी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवी पृथ्वी, मैं जानती हूं तुम यहाँ क्यों आई हो। आपके मन में प्रश्न होगा कि पृथ्वी देवी अपने स्वरूप में क्यों नहीं गई, गाय के स्वरूप में क्यों गई, वो भी आंखों में अश्रु लिए। गाय का रूप इसलिए लिया भक्तों, क्योंकि 84 लाख की योनियों में गाय ही एक ऐसी ही जीव है जिसे देख करके हृदय में स्वाभाविक दया निकल जाती है ना, स्वाभाविक। अब गाय को देखिए तो हृदय में दया छलकेगी। और आप लोग सुखी होना चाहते हैं? कितने लोग सुखी होना चाहते हैं यहाँ पर? हाथ खड़ा करिए। सुखी कितने लोग होना चाहते हैं? गाय की सेवा करो। गाय के कंठ में यहाँ पे भगवान का वास होता है। अब गाय के इसके इसको खुजलाना, देखना गाय को कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। गाय को खिलाइए, अच्छे से रखिए, है ना? और हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, तब सुखी हो पाएंगे। तो ब्रह्मा जी को दया आ जाए, इसलिए पृथ्वी गई और पृथ्वी ब्रह्मलोक में गई। ब्रह्मा जी को सुनाया दुख सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम पर बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा कष्ट है, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता। तुम्हारे दुख को केवल और केवल कौन दूर कर सकते हैं? भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण। उस समय ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को बुलाया, शिव जी को स्पेशल फोन किया, आपकी जरूरत पड़ेगी आ जाओ। तो क्योंकि जानते थे ब्रह्मा जी कि भगवान को प्रकट कराने के लिए कुछ कीर्तन करना पड़ेगा, कुछ नृत्य करना पड़ेगा, तब भगवान कृष्ण प्रकट होंगे। तब समय ऐसे भगवान प्रकट नहीं होते। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हो? फिर नारद जी खुद ही जवाब देते, बोला अरे पूछने की क्या बात, अब तो वैकुंठ में ही रहते होगे और कहाँ जाओगे। तो भगवान कहते हैं, नारद, ना हम वसामि वैकुंठे। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। प्रभु आप वैकुंठ में नहीं रहते, वो तो आपका घर है। पर नहीं रहता। अच्छा, मैं समझ गया प्रभु जी, आप वो बाबा के बाबा लोगों के हृदय में रहते होंगे, पांव ऊपर रखते हैं, माथा नीचे, कितना योग करते रहते हैं सवेरे सवेरे उठ करके, ना जाने कभी पांव ऊपर माथा नीचे, कभी माथा रगड़ते हैं, कभी पांव रगड़ते हैं, ये वो अनुलोम विलोम भस्तिका भस्तिका क्या क्या करते रहते हैं, आप उनके हृदय में रहते होंगे। तो भगवान कहते हैं, योगी नाम हृदय न च, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता प्रभु। अब वैकुंठ में भी नहीं रहते, योगियों के हृदय में भी नहीं, फिर कहाँ रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त जहां पर मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करते हैं नारद, मैं वहीं पर उपस्थित हो जाता हूँ, मैं वहीं पर उपस्थित हो जाता हूँ। तो उस समय वहां पर सभी लोग पहुंच गए।
सभी लोग पहुंच गए कि भाई भगवान को प्रकट करना है। अब भगवान को प्रकट करने के लिए नारद जी पहले ही सिद्धांत दे चुके हैं कि स्तुति करनी पड़ेगी, कीर्तन करेगी। बहुत सुंदर, सभी देवी देवता आ गए, सब लोग तो पहले से ही त्राईमाम तिकंस इत्यादि राजाओं से सब लोग आ गए और बहुत सुंदर कीर्तन हुआ। आइए हम भी कीर्तन करें और कीर्तन के द्वारा करते हुए कीर्तन करते हुए भगवान को प्रकट करा। और कीर्तन के साथ ही साथ भगवान को प्रकट कराने के लिए उदंड नृत्य भी करना पड़ता है। महाप्रभु का नृत्य उदंड होना चाहिए। उदंड मतलब समझते, माता जी उठ जाओ, सवेरा हो गया, ठीक है उठ गई, तो उदंड नृत्य होना चाहिए। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। हो सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। अब लोग कहेंगे कि प्रभु ये कृष्ण कथा में राम नाम कहां से आ गया, दोनों एक है। कहते राम कृष्ण दोनों एक है, अंतर ना है विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक है, इसमें अंतर नहीं। अंतर कितना है तो कहते इनके नयन गंभीर है, राम के नयन गंभीर है, इनके चप्पल विशेष, कृष्ण के थोड़े चप्पल विशेष। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। जय जय शूर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सब लोग राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, गोद्विज हितकारी जय सुरारी, सिंधु प्रिया सुत कंता, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, पालन शूर धरणी अद्भुत करणी, मरम जानत कोई, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सभी लोग राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम,
अद्भुत करनी मरम न जानत कोई जो सहज कृपाला दिन दयाला करम अनुग्रह सोई सीताराम राम राम दोनों हाथ से ताली बजाते हुए भगवान की स्तुति करिए समझ देवतागण भगवान को स्तुति कर रहे प्रकट करने के लिए स्तुति कर रहे कहते हे प्रभु हे प्रभु आप देवताओं के स्वामी हो आप अपने सेवकों को सुख देने वाले आप अपने शरणागत की रक्षा करने वाले हो अतः हे भगवंत आप हमारे सामने प्रकट हो जाए हे गाय और ब्राह्मण के हित करने वाले हे यसरों का विनाश करने वाले हे समुद्र के कन्या के स्वामी हे प्रभु आप हम पर प्रसन्न हो हमारे सामने प्रकट हो जाए हे देवताओं और पृथ्वी के भार को दूर करने वाले आपकी लीला आपकी लीला का भेद आज तक कोई जान नहीं पाया प्रभु जिसका सहज स्वभाव ही कृपा करना है जो लोगों के ऊपर कृपा करते हैं ऐसे दयामय प्रभु हमारे सामने प्रकट हो जाए ऐसे प्रभु हमें बारे पर प्रसन्न हुए दर्शन जय जय विनाशी सब घट वासी व्यापक परमानंद जय राम 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 सीता 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 राम 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 विगत गोपीतम चितपुनीतम माया रहित मुकुंदा सीता राम 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 सीता राम भगवान की स्थिति में शर्माना कैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं आप ताली बजाइए हे अविनाशी आप घट घट में रहते प्रभु आप सर्वव्यापक आप परम आनंद के स्वरूप हो आप अजैव हो आप संसार के सभी जीवों की इंद्रियों से परे हो आपका चरित्र परम पवित्र है आप माया से रहित हो प्रभु आप मुक्ति देने में समर्थ हो आज हम आपके द्वार पर आए हैं आप मुक्ति देने में समर्थ हो हम आपके द्वार पर आए हैं आप हमें दर्शन दीजिए प्रभु हमारी मंशा जे ही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोहि बिरिंदा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 निमि पाशर धावई गुणगण गावई जयति शचिदानंदा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 हे प्रभु आप सभी लोगों से विरक्त हो
और स्वार्थ से सदा के लिए मुक्त हो। आप इस संसार में अपने भक्तों को प्रेमें। रात दिन बड़े बड़े साधु संत रात दिन जिनका ध्यान करते जिनका गुणगान करते हम सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय इस प्रकार समस्त देवी देवता भगवान ब्रह्मा समेत शिव जी समेत क्षीर सागर के तट पर बैठे बैठे स्तुति कर रहे हैं। परंतु जब तक बैठे बैठे स्तुति किए ना भगवान प्रकट करेंगे। आप लोग प्रकट कराना चाहते हैं भगवान को यहाँ? कितने लोग प्रकट कराना चाहते हैं इस गांव में भगवान को? अपने अपने स्थान पर दो मिनट के लिए खड़े हो जाइए। आज मेरे अंगना में आओ नंदला, आज मेरे अंगना में आओ नंदला, मेरे अंगना में आओ नंदला, आज मेरे अंगना में आओ नंदला।
पे चढ़ के मत नाचिए और गिर जाएंगे, नीचे नाचिए।
ये इतना मेहनत से गा रहे हैं, आज अंतिम में दोनों हाथ खड़ा सभी करो, सभी लोग प्रभु जी जिसके जिसके पास हाथ को खड़ा कर लो। राधे राधे, थोड़ा थोड़ा पीछे हटा ले, जगह बना लीजिए। जगह नहीं है भैया, थोड़ा थोड़ा। और सभी लोग कैसे करना है डांस, पूरा ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा छोड़ के हल्का हल्का। जाइए महाराज जी। राधे तू तो कारी वो लेता बढ़िया पीछे से सब लोग नाच नहीं रहे, पीछे से नाचिए, क्या कर रहे हैं आप लोग, खड़े हो जाइए सब लोग और नाचिए। सोए गई की खोए गई मैं, सुन मौके रहियो न जाए, सुन सुन मौके रहियो न जावे, सुन मौके रहियो न जावे, सुन मौके रहियो न जावे। अगर आप लोग नाचेंगे नहीं जब तक सब, तब तक भगवान प्रकट होंगे नहीं। अगर जगह चाहिए पर्दा दोनों साइड खोल दीजिए और पीछे चले जाइए, जब तक नाचेंगे नहीं भगवान प्रकट होंगे नहीं। सबको नाचना है, देखिए प्रभु जी का इतना ये से फिर भी नाच रहे हैं आप लोग, तो यंग है क्यों नहीं नाच रहे, पीछे से लड़के लोग क्यों नाच रहे, वही गाड़ी से नीचे उतर जा और डांस करो, तुम गाड़ी पर ही डांस करो, खड़े हो जाओ गाड़ी पे। सुन सुन मौके रहियो न जावे, सुन सुन मौके रहियो न जावे, सुन सुन मौके सुन मौके रहियो न जावे, सुन 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 सुन मौके रहियो न जावे। ऐसे भगवान नहीं प्रकट होंगे, ऐसे भगवान नहीं प्रकट होंगे। आप लोग चाहते हैं भगवान प्रकट होने होंगे, कितने लोग चाहते हैं, दोनों हाथ, जंपिंग 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 करना पड़ेगा। सुन सुन मौके रहियो न जावे, सुन
भी इच्छा हो रही कि आप लोगों के साथ आगे डांस कीजिए। अरे भगवान का जन्म है लेकिन व्यासपीठ की मर्यादा नहीं छोड़ सकता। सिद्धांत पहले भाव बात में, ठीक है? सुन सुन मोके रहियो न जावे, 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 जलगत में जहो 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 चल घट में बज पायलिया तो तरसावे, चल घट में पायलिया है तो तरसावे, बहकाए को तरसावे, बहकाए को तरसावे, बहकाए को तरसावे, बहकाए को तरसावे, मेरे घर का बहु कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, एवरीबॉडी सभी लोग Krishna, Krishna,